हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग ओके वॉइस विजुअल क्लियर है प्लीज कंफर्म कीजिए एक बार वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम नमस्ते नमस्ते चौहान जी हेलो ऋषि बालाजी ठाकुर ओके राज विकास शैलेंद्र बलराम प्रताप रवि ओके थैंक यू थैंक यू फॉर कंफर्मिंग क्लियर क्लियर ओके गुड मॉर्निंग रोहित यस विशाल मोहम्मद आशीष ललित बालाजी उमेश नीरज शुभम हेलो सुमन सर संजीव कन्हैया मेरा छोटा भैया अंकित शागर कवित जिगर शिवराज वीरेंद्र आसिफ ताहिर राम किशोर रोहित आनंद गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम दोस्तों चलिए आज हमारा निफ्टी के देखेंगे निफ्टी के साथ साथ हम बैंक निफ्टी पर नजर रखेंगे हालांकि एक्सपायरी कैप निफ्टी की है बट uh, अगर उसमें मोमेंटम कुछ रहेगा तो डेफिनेटली उसको देखेंगे बट मॉर्निंग स्टार्ट है मंथ वीक का स्टार्ट है मंडे है तो दोनों ही बड़े जो इंडेक्सेस हैं उनमें एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो क्या है मंडे क्लियर रहता है तो उसके आने वाले जो हफ्ते रहते हैं फॉलोइंग डेज जो होते हैं उसमें एक डायरेक्शन क्लियर हो जाता है तो शुरुआत में थोड़ा मार्केट जो भी रिएक्ट करेगा उसको ठीक से हम प्राइजेक्शन को रीड करते हुए एक बार मार्केट को समझेंगे एंड उसके हिसाब से ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे गलतियों से बचना है ठीक है ओके बाकी लोगों को ज्वाइन करने देते हैं ताकि स्टार्ट करें तो सभी लोगों को एक बार बातें क्लियर रहे ओके रजनीश हेलो अंबुज जीत हेलो कार्तिक ए रघुविंद ब्रजेश चीना डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप अमीशा गुरप्रीत अजीत यश पूजा संजय भाई राकेश मैं भारती हूँ ओके बाकी सभी लोग एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर दे है ना मॉर्निंग में ही एक बार लाइक कर दो है ना तो फिर डूरिंग द सेशन आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा ठीक है राधे राधे यस चलिए तो देखो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे है सा मार्केट जो है ओपन होने में टाइम है अभी है ना दस मिनट बचे हुए तो हम लोग एक बार करते हैं क्या एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं क्या सा फ्लो रहता है हमारे सेशन का एक बार रिपीट कर देता हूँ सभी लोगों को फर्स्ट स्टेप इज हम लोग ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है हु इज राइडिंग द मार्केट बुल्स हैं या बियर्स किसके हाथों में मार्केट है उस हिसाब से आगे हमारी पूरी स्ट्रेटजी फ्लो उसी डायरेक्शन में करेगी सेकंड हो जाता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना कि भाई मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं ताकि वहां पे हम जाके अलर्ट हो जाएं वहां पे रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक किले का काम करते हैं है ना जैसे बियर्स और बुल्स दोनों ही उसको लेकर लड़ाई करते रहते हैं वो हम देखेंगे आगे किस तरीके से फाइट होती है थर्ड हो जाता है हमारा प्राइजेशन रीड करते हुए मार्केट ओपन होता है प्राइजेशन रीड करते हुए मार्केट की चाल समझते हुए ऑप्शन के चार्ट पे जाते हुए सब चीजें समझ के गलत ट्रेड से बचने की कोशिश करेंगे और जो भी बेस्ट ट्रेड रहेगा मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रेड में एंट्री लेने का ट्राई करते हैं फोर्थ हो जाता है ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमें रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्लियर होना चाहिए कितना रिस्क ट्रेड में लेना है फिफ्थ है मनी मैनेजमेंट सब कुछ क्लियर है बट अगर मनी मैनेजमेंट क्लियर नहीं है तो आप एक दो ट्रेड में प्रॉफिट करते रहोगे आगे जाके आपको लॉस हो जाएगा पूरा प्रॉफिट जो भी कमाया है सब चला जाएगा तो इससे बचने के लिए एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने के लिए मनी मैनेजमेंट रूल होता है तो ये पूरा हमारे पिलर्स हैं इन पिलर्स के बेसिस पे हम सारी ट्रेडिंग करते हैं तो शुरुआत करते हैं हमारे ट्रेंड एनालिसिस से ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तो इसको हम लोग यहां एक्सेल शीट की मदद से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है है ट्रेंड मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो फ्राइडे में क्या क्या हुआ लास्ट एक पॉइंट डाउन थर्सडे में ट्वेंटी मतलब जस्ट फ्लैट क्लोज हुआ जीरो पॉइंट कोई भी चेंज आपको डे टू डे बेसिस बट डे टू डे बेसिस पे कोई चेंज देखने को नहीं मिला डेली कैंडल कैसी बनी थी फ्राइडे में डेली कैंडल किस तरीके से बनी थी तो यहां पे हम चलेंगे निफ्टी की पांच मिनट एक दिन की कैंडल आप देखो क्लियर कट एक न्यूट्रल कैंडल है इसको आप बुलिश नहीं बोलोगे ये आप हैमर कैंडल नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ऊपर जो है ये विक है अच्छी खासी विक है तो इसे आप न्यूट्रल कैंडल ही कंसिडर करके चले तो डेली कैंडल न्यूट्रल वीकली कैंडल की बात करें वीकली कैंडल कंप्लीट न्यूट्रल कैंडल है स्प्रिंग टॉप कैंडल ठीक है तो डेली कैंडल इज न्यूट्रल वीकली कैंडल इज न्यूट्रल पुट कॉल रेशियो इज जीरो वॉइस नॉट क्लियर प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए दोस्तों वॉइस क्लियर है क्या जी वंशीदारी क्यों बोल रहे हैं वॉइस वॉइस नॉट क्लियर क्लियर मैं भी अपने एंड पे चेक करता हूं. Clear, please, voice clear है दोस्त मेरे एंड पे वॉइस क्लियर है सभी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए ठीक है यस yes, क्लियर है क्लियर है ना बाकी पुट कॉल रेशियो इज जीरो पॉइंट नाइन दैट मीन मार्केट न्यूट्रल है ऑप्शन चेन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट जो है हमारा जो है न्यूट्रल दिख रहा है दोनों ही साइड में कॉल और पुट दोनों ही साइड में लगभग सेम ओपन इंटरेस्ट है बाकी फंड फ्लो की बात करें तो एफ ने स्ट्रेंजली बाइंग की है फ्राइडे के दिन 1600 सो करोड़ लगभग की बाइंग की है लगातार सेलिंग कर रहे थे मार्केट में बट फ्राइडे के दिन में मार्केट में बाइंग की है डी ने ऑन द कॉन्ट्रेरी डीआर ने ऑनरी तैतीस सौ करोड़ की सेलिंग की है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करें कि फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या है तो 43, 70, 57 का रेशियो अभी तक मार्केट में क्लियर चल रहा है जो रेशियो पहले था वैसा ही है इसमें भी कोई चेंज नहीं है डेटा पॉइंट्स की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आया यूएस का ये डे� ठीक आया पॉजिटिव आया है थ्री पॉइंट नाइन की उम्मीद थी थ्री पॉइंट एट आया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम हुआ है एक्सपेक्टेशन से दैट इज अ गुड न्यूज बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है बट इवन डेट इज अ गुड न्यूज ठीक है अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो नेक्स्ट वीक में वेन्सडे को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा फ्राइडे में एंड थर्सडे में इंटरेस्ट डिसीजन होना है है ये काफी दूर अभी अभी तो इसका अभी तो इसका रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव आई सेक्टर नेगेटिव फ्राइडे के दिन तो क्या रहा मार्केट का व्यू ये सब न्यूट्रल है जीरो देंगे पोटकॉल रेशियो जीरो देंगे एफ आई बाइंग कर रहे हैं प्लस वन देंगे लॉन्ग शॉर्ट इश्यू सेम है जीरो देंगे एक इवेंट पॉजिटिव में है प्लस वन एक सेक्टर पॉजिटिव में प्लस वन एक सेक्टर नेगेटिव में माइनस वन टोटल निकल कर रहा है टू टू इज न्यूट्रल रेटिंग प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज न्यूट्रल मार्केट की पहली शुरुआत मंडे की शुरुआत मार्केट में है न्यूट्रल के साथ ना मार्केट बुल्स के हाथों में है ना मार्केट बियर्स के हाथों में है किसी भी साइड में मार्केट को स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है अब जो होना है आज के सेशन में ही होना है आज ही क्लियर होगी बात तो देखते हैं मार्केट आज गैप अप तो ओपन नहीं हो रहा है या गैप डाउन तो ओपन नहीं हो रहा है तो अब आएंगे हम चार्ट पे तो ये बात ध्यान रखो मार्केट न्यूट्रल है दोनों ही कॉल और पुट दोनों ही एक तरीके से संघर्ष करेंगे आज के दिन में दोनों का पड़ला भारी है दोनों का पड़ला भारी नहीं है दोनों ही एक स्थिति में मार्केट ओपन हो रहा है हल्का सा 64 पॉइंट अप बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं है बाकी बैंक निफ्टी लगभग 93 पॉइंट अप ओपन हो रहा है तो स्लाइड गैप अप ओपनिंग मार्केट में हो रही है तो उसके लिए सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर ले ताकि हमको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए कि कहाँ पे कैसा क्या ओपन हो रहा है तो पिछले दिन का जो हाई है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ये जो है पिछले दिन का हाई दिस विल बी रेजिस्टेंस पिछले दिन का लो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा ये है पिछले दिन का लो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा ठीक है ये होगा दो इंपॉर्टेंट लेवल ठीक है अभी पिछले दिन की पहली पांच मिनट कैंडल का हाई ये पहली पांच मिनट कैंडल का लो और डेल लो लगभग सेम ही है तो पांच मिनट कैंडल का हाई ये देखिए ये हो गया है और ये आपको देखो काफी स्विंग्स भी यहाँ पे देखने को मिले हैं तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाई लो पांच मिनट कैंडल का हाई लो और स्विंग की अगर बात करें कि मार्केट अगर हाई तोड़ता है तो ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा तो ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है तो निफ्टी के लेवल्स कुछ इस तरीके से रहेंगे अब मार्केट है? है, है इसको ब्रेक तो कर, कर दिया है और जो पुराना स्विंग है उसके ऊपर आके थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर ओपनिंग दे रहा है अब यहाँ पे क्या होने वाला है यहां से मार्केट रिवर्स करेगा या मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने का मोमेंटम ट्राई करेगा दैट डिपेंड्स तो यहाँ पे एक जो ये लेवल है इसको भी इग्नोर ना किया जाए इसे भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के तहत मार्क कर लें ताकि यहाँ पे हमें फसना ट्रैप अगर हो रहे हैं तो ट्रैप होने में थोड़ा हमको आसानी हो कि भाई जाए है ना तो लगभग उसी पॉइंट पे जो हाई है लगभग उसी पॉइंट के गैप अप वन हो रहा है फाइव सेवेंटी का हाई है तो लेट्स सी किस तरीके से रिएक्ट करेगा तो मार्केट ने क्लियर कर दिया है आज का आज का जो है व्यू आज का जो अः किसने उठाया है बीड़ा किसने उठाया है आज का बीड़ा उठाया है ने ने कि बुल्स ने बोला कि चलो हो गया बहुत मार्केट साइड बाई गया है अब हम मार्केट को ऊपर ले जाएंगे ये बिल्ज ने बुल्ज ने ये क्लियरली बोल दिया है बुल्ज ने बोल दिया हम मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है बुल्ज ने पूरी तरह से अपने जो है हथियार निकाल लिए हैं अब देखते हैं किस तरीके से ओपन ऊपर ओपन तो हो रहा है सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं बियर्स अगर आ गए प्रेशर दिया तो यहाँ पे क्लोज के पास लाने की कोशिश करेंगे नहीं लाते हैं तो यहाँ पे अगर साइडवेज जाके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली कॉल में मिलेगी पहली मिनट कैंडल पर नजर रखेंगे जो भी होगा देखा जाएगा ज्यादा अभी एक्साइटेड नहीं होंगे हम गैप अप के कारण क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप नहीं है सौ पॉइंट के ऊपर का गैप अप होता है तो थोड़ी इज्जत दी जाती है साठ पैंसठ पॉइंट का गैप अप है है सब्सटेंशियल गैप अप है सिग्निफिकेंट गैप अप है बट बहुत बड़ा भी नहीं है तो यहाँ पे और रेजिस्टेंस के पास है खास बात यह अगर होना होता तो भाई ये हाई ब्रेक करके ऊपर और निकल जाता है यहाँ पे रुकने का क्या मतलब है यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होगा और अगर ये लेवल के नीचे आ गया फिर तो बात ही खत्म है फिर तो ये रेंज में दोबारा से आ जाएगा और अगर यहाँ पे थोड़ा साइडविज रह के ऊपर जाने की फिर से कोशिश करेगा तो बहुत ही बढ़िया कॉल में ट्रेड मिलेंगे देखेंगे जो भी होगा देखेंगे पहले पांच मिनट कैंडल को ओपन होने देते हैं जल्दीबाजी नहीं करेंगे ठीक है उसी के साथ बैंक निफ्टी के भी लेवल्स ड्रॉ कर लिए जाए बैंक निफ्टी फ्राइडे में बहुत बढ़िया रैली किया है आरबीआई का रेट डिसीजन आया था फ्राइडे को लगभग सेम रखा गया है उसका, इसके कारण बैंक निफ्टी में एक खास रैली आपको देखने को मिली थी चलिए बैंक निफ्टी में भी लेवल्स आपके ये क्लियर हो गए बढ़िया बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगभग पास में ही है तो देखते हैं ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा चलिए पिक्चर क्लियर है अभी फील्डिंग क्लियर है मार्केट में क्या चल रहा है मार्केट में बेसिकली मार्केट था साइडवेज साइडवेज मार्केट में बुल्स ने बीड़ा उठाया है कि हम मार्केट को आज ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर रेजिस्टेंस के पास बुल्स अटक गए हैं अभी देखेंगे वहां पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा अब सारी कुछ जिम्मेदारी जो भी है हमको गाइड करने की वो है पहली पांच मिनट कैंडल पे तो फर्स्ट फाइव मिनट कैंडल को क्लोज होने देंगे देखते हैं ये बुल्स का जो एकदम से एक्साइटमेंट है ये एक्चुअल में है कुछ न्यूज है क्या भाई या ऐसे ही ट्रैपिंग वाला माहौल बनेगा आज सीधे साधे कॉल वालों को फंसाने का काम किया जाएगा जो भी होगा पहली पांच मिनट कैंडल पूरी पूरी सच्चाई बया कर देंगी साथ साथ हम ऑप्शन के चार्ट को भी देखेंगे ठीक है ओके क्लियर है क्लियर है सभी लोगों को क्लियर है बात लेट द मार्केट ओपन एक मिनट बचा हुआ है मार्केट ओपन चार सेकंड लेट सी लेट द मार्केट ओपन कैसा बनेगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा देखते हैं शुरुआत हो चुकी है रेजिस्टेंस से ओ माय गॉड रेजिस्टेंस से बहुत जबरदस्त फाइट लाल थेला लाल है ओके okay, यहाँ पे बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा अप मूव दिखा रहा है बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ पे है और निफ्टी यहाँ पे कंफ्यूज चल रहा है है ना तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो भी बिगना लोग हैं उन लोगों को एक बार बता दू हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे निफ्टी यहाँ से अगर ऊपर जाएगा ना तो हम लोग निफ्टी को ऊपर की बाजी लगाएंगे निफ्टी नीचे गिरेगा तो नीचे की बाजी लगाएंगे तो यही देखना है कि ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है बैन निफ्टी भी साइडवेज हो गया है निफ्टी भी साइडवेज हो गया है संघर्ष चल रहा है इन दोनों के बीच में तो वही देखना है नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा अभी ऊपर जाएगा ना तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं ना ये एक ऑप्शन होता है अगर नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे ये दो चीजें बहुत ध्यान से याद रखना जो भी लोग हैं उनको बता दूं एक होता है कॉल एक होता है पुट ऊपर जाता है मार्केट तो कॉल ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं हम कॉल ऑप्शन में एंट्री मारते हैं ताकि हम प्रॉफिट बना सके अगर मार्केट नीचे करता है तो पुट के प्राइस बढ़ते हैं दोनों ही कैसे प्राइस बढ़ते हैं अगर ये ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा नीचे करेगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा तो दोनों में से एक को बाय करना है जिसको भी बाय करना है देखते हैं किसको बाय करना है यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से संघर्ष कर

ये ओपन किया निफ्टी है निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करी ये हमारे लिए एक तरीके से बुफे है पूरा खाना मिलेगा यहाँ पे हर साइज का गुलाब जामुन है यहाँ पे देखिए ठीक है ये सारे प्राइजेस हैं कॉल के देखो हर साइज का जूता है ये देखो बढ़िया आपको कौन सा साइज बैठे बेटे, बैठेगा हंड्रेड वाला नाइनटी नाइन वाला जो है सबसे बेस्ट हमारे लिए हमारी स्ट्रेटजी के लिए नाइनटी नाइन रुपीज वाला सौ रुपए के नजदीक जो भी स्ट्राइक रहता है उसको हम सिलेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं तो ये नाइन्टी नाइन वाला ये है और ये जो है हमारा बाईस पांच सौ पचास एट्टी नाइन पे है इसको सिलेक्ट कर लिया जाए है ना दोनों ही लगभग सेम ही स्थिति पे है तो लगभग सौ के नजदीक अस्सी से एक सौ बीस के बीच सौ से नजदीक ये हमारा एक सिलेक्शन का रूल है कि हम स्ट्राइक हम ऐसी सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है ज्यादा दूर नहीं जाते हैं ज्यादा महंगा स्ट्राइक नहीं ज्यादा सस्ता नहीं मीडियम स्ट्राइक ये बात हुई निफ्टी की बैंक निफ्टी में यह बात हुई निफ्टी की बैंक निफ्टी में ढाई सौ से तीन सौ वाला ठीक है अब देखो यहां पे इनको देखेंगे हम एक मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑप्शंस के चार्ट हम वॉच करेंगे एक मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहां पे बेसिकली इसका हाई मार्क किया जाए क्योंकि यहीं से जाके ये अटक रहा है यहां पर ठीक है और ये है पुट का चार्ट पुट पे भी हाई को मार्क किया जाए दोनों ही केस में हाई को मार्क कर लिया जाए आज का हाई है ना डे हाई तो यहाँ पे पहली नजर में पहली नजर में मुझे एक तरीके से कॉल में थोड़ी स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है पुट जो है ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है अभी देखते हैं ये बहुत जल्दीबाजी है कि डिसाइड करना कि कहा पर एंट्री कर लें सबसे पहले वेट करना पड़ेगा कि भाई इस चार्ट में ये है कॉल और ये है पुट इन दोनों में से एक ऊपर जाने वाला है अब कौन सा ऊपर जाएगा उसमें शुरुआती लक्षण देखने पड़ेंगे शुरुआती लक्षण मतलब हमें मोमेंटम देखना पड़ेगा मोमेंटम है कि नहीं ठीक है इसमें मोमेंटम बन रहा है या इसमें बन रहा है दोनों में से सबसे पहले शुरुआती लक्षण बच्चा कौन सा बच्चा सौ से चार सौ जाएगा उसका पता चलेगा उसके बचपन से ही बचपन में उसके ऐसे लक्षण देखेंगे क्या लक्षण होते हैं मोमेंटम का रूल क्या बोलता है मोमेंटम के रूल हम तीन चीजें देखेंगे सबसे पहले बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बिग ग्रीन कैंडल्स ये इस साइड बनेंगी या इस साइड बनेंगी जहां भी बनेगी हम लोग उस साइड फोकस करेंगे सेकेंड चीज भी देखनी है राइजिंग वॉल्यूम ये जो नीचे वॉल्यूम लगा है ना ये ऐसे ही नहीं लगा है इस वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वॉल्यूम बढ़ने लगे तो भी हम एक माहौल लगा देंगे कि हाँ भाई दो चीजें क्लियर हो गई तीसरी बात देखना है हमको लेवल का ब्रेकआउट ये जो लेवल है इस लेवल को कौन ब्रेक कर रहा है ये तीनों चीजें जब भी इनमें से एक का एक से काम नहीं चलेगा तीनों पर टिक लगने चाहिए तीनों टिक जिस साइड लगेंगे उस साइड समझ में आ जाएगा कि ये लड़का जो है सही जा रहा है इस पे हम आगे बाजी लगाने का सोचेंगे

में उछाल उतनी खास नहीं आ रही है तो दोनों ही शर्मीले हैं अभी बच्चे हैं ठीक है और यहां पे हम लोग दोनों में रूल लगाएंगे लेवल के ब्रेक होने के बाद ही कोई एंट्री लेगा लेवल ब्रेक होने देना लेवल ब्रेक के पहले ही एंट्री मत ले लेना क्यों नहीं ले, ले लेना क्योंकि यहां पे अभी ट्रेंड न्यूट्रल था हमारा ठीक है तो ये हो सकता है यहाँ पर ट्रैप भी करे है ना यहां पे इसको ब्रेक करने देंगे आराम से बढ़िया तरीके से ब्रेक करने दो वॉल्यूम आ रहा है बहुत बढ़िया लेवल ब्रेक करके दिखाओ दोस्त जल्दीबाजी नहीं करना हमारा पेशेंस लेवल ही हमारे लिए जितना पेशेंटली बैठोगे उतना ट्रेड में उतना खून कम बहेगा उतना लॉस कम होगा जितना पेशेंटली बैठोगे मार्केट में ठीक है अभी यहाँ पे देखो ये ऊपर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है इससे ठीक है तो ये एक तरीके से ट्रैप भी हो सकता है तो मैं चाह रहा हूं भाई पहले अगर तुम बहुत बड़े नेता हो तो ये हाई ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज करके दिखा दो लेवल हम मान जाएंगे फिर हम तुम्हारे साथ ऊपर डील करने की ट्राई करेंगे बट पहले लेवल ब्रेक कीजिए क्यों क्योंकि तुम्हारा पूर्वजों का इतिहास सही नहीं था तुम लोग न्यूट्रल थे तुमने मार्केट में न्यूट्रल व्यू था हमारा और हल्का और उल्टा गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट में ठीक है तो ये पुट में अगर तेजी आ रही है तो ये तो बहुत बड़ा डाउटफुल है ये तो बहुत डाउटफुल चीज है एक तो मार्केट न्यूट्रल हमारी एक्सेल शीट बोल रही थी मार्केट न्यूट्रल रहेगा दूसरा पुट कॉल में गैप अप हुआ था बुल साइड में गैप अप हुआ था तो ये पुट में तो हमें बहुत ही शक की निगाहों से देखना है इसमें इतनी जल्दीबाजी से फंसने का काम नहीं करेंगे चलिए लेट्स सी देखो पुट में एक तरीके से फसाने का काम हुआ है यहां पे हाई पे 102 से 94 पे आ गया है जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं करेंगे क्लियरली बैठे रहेंगे ठीक है निफ्टी में क्या चल रहा है ये देखो निफ्टी में झांसेबाजी हो रही है पूरी तरह से यहां से नीचे आया नीचे से ट्रैप कर लिया गया तो एक तरीके से बुल्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है साथ ये लेवल के ऊपर मार्केट को क्लोज किया बुल्स बहुत बढ़िया जा रहे हो हम आपके साथ हैंट सी हाई ब्रेक ये जो हाई है इसको ब्रेक करने दो हाई ब्रेक करने दीजिए की हाल खराब आई होप कोई भी मेरा दोस्त यहां पे पुट में नहीं फंसा होगा सब लोग सेफ हैं पुट में सब लोग सेफ हैं। प्लीज एक बार बता दो सेफ सेफ सेफ। ओ। कॉल में भी अभी मार्केट में मोमेंटम जब तक नहीं बनेगा तब तक, तक कुछ नहीं करेंगे हाई ब्रेक होने देंगे आराम से बैठते हैं तब तक ठीक है ओके यस सेफ सब लोग सेफ सेफली काम करेंगे अभी शुरुआत में ट्रैप होगा भाई मंडे है जल्दीबाजी मत करो पूरा हफ्ता है ना पूरा हफ्ता है हमारे लिए लॉस हो गया भाई पांच हजार का लॉस हो गया सूर्यजीत जी का बताओ क्यों हो गया दोस्त अभी तो कोई एंट्री हुई नहीं मोमेंटम ही नहीं बना कहीं तो जो भी घुसेगा इस तरीके से गलती करेगा इन ट्रेड में एंट्री लेगा तो फंसेगा इसलिए पेशेंटली वेट करो दोस्त ठीक है नो ट्रेड वेरी गुड सेफ बैंक निफ्टी ढाई 250 से 300 वाली स्ट्राइक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो चलो पुट कॉल में मोमेंटम बनने की तैयारी है कॉल का नेता जिंदाबाद कॉल का नेता जिंदाबाद यहां पे हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है भाई डायवर्जन दिख रहा है मुझे यहाँ पे डायवर्जन लग रहा है पहले तो चलो ठीक है डायवर्जन है तो सही हम लोग तो पहले इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करेंगे पहले तो लेवल ब्रेक हो के क्लोजिंग दीजिए आप यहाँ पे ऊपर बहुत ही बढ़िया जा रहे हो सही जा रहे हो पीछे कोई इतिहास है क्या अगला लेवल हमारे लिए ये रहेगा सीधा सीधा ये लेवल है अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे भी थोड़ा अटक सकता है यहाँ पे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमको ये लेवल मार्क कर लेते हैं ठीक है लेवल ब्रेक कर दिया है लेवल ब्रेक कर दिया है क्लोज होना चाहिए वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया आ रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल अगर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो क्या ही बात है मजे ही मजे बहुत ही बढ़िया नहीं नीचे गिरना नहीं भाई गिरना नहीं क्लोज बढ़िया सॉलिड होना चाहिए बने रहो बने रहो क्लोजिंग होनी चाहिए एक सॉलिड बॉडी के साथ ऊपर विक से काम नहीं चलेगा लेवल के नीचे नहीं आना ये देखो थोड़ा मामला खराब हो गया है बट ठीक है फिर भी ठीक है लेवल के ऊपर ही है है ना अभी भी और ये कैंडल बनी हुई है तो अभी हम एक बार वो वेट करेंगे कि कोई लेवल तो इस कैंडल को वेट करेंगे कि ये कम से कम ऊपर एक क्लोजिंग देते है ना ये जो लेवल है हाई इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए यहां पे शर्मिला पर नहीं चलेगा चलो ये देखो थोड़ा थोड़ा शर्मिला है ऊपर जाने में दिक्कत कर रहा है जस्ट ऊपर ही रेजिस्टेंस भी बना दिया हमने एक सौ पांच दशमलव पैंसठ का ये लेवल कहां से आया? ये लेवल जस्ट ये देखो यहां पे अच्छे खास स्विंग्स तो है तो यहाँ पे थोड़ा ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कह रहे हैं सर नो वॉइस अरे वॉइस ही वॉइस है साहब क्या बात कर रहे हो दीपाली चलिए यहाँ पे भी भाई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है मैं बोल रहा हूं एक बार यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाए ट्रेड मुझे जल्दीबाजी नहीं है मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है तू इतना एक घंटा लगा यहाँ पे मुझे कोई मतलब नहीं मेरे को लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखा है ना मैं इतना फोमो में आके ट्रेड नहीं लूंगा मुझे पता है कि जब तक अगर मेरे अंदर फोमो आया तो मैं गलती करूंगा फोमो में नहीं आना है बिल्कुल भी में नहीं आएंगे ठीक है यहां से इतना ऊपर आ गया कोई बात नहीं ना हमें तो क्या चाहिए हमें चाहिए मोमेंटम के बाद ट्रेड लेना ठीक है हम ब्रेकआउट ट्रेडर में तो ये इतने में काम नहीं चलेगा यहाँ पे फील्ड ब्रेकआउट है तो इनमें थोड़ी ना फसेंगे तो फील्ड ब्रेकआउट से फंसने के लिए सारी कुछ इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग नहीं तो यहाँ पे एंट्री लेते ब्रेकआउट पे फंस जाते फंसे हुए रहते इसीलिए हम लोग अभी बचे हुए हैं क्यों क्योंकि हम लोगों के साथ अभी रूल्स है वो पेशेंटली हम लोग वेट कर रहे हैं और ये देखो ट्रैप से बचने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है नहीं फंसेंगे भाई ना पुट फसायेगा ना कॉल फंसाएगा कोई नहीं फंसा सकता हमको क्यों हमारे साथ रूल्स है हमारे ये देखो ऊपर से सेलिंग आने लगी है हाई ब्रेक कर दिया इसने यहां पे निफ्टी ने हाई ब्रेक ठीक से नहीं ऑप्शन ने हाई ब्रेक नहीं किया पीयूष कुमार जी बोल रहे हैं फंस गए फस गए सी साइड क्या कर रहे हो साहब अभी सभी लोग सेफ हैं दोस्तों बता दो एक बार कॉल में सब लोग सेफ हो सेफ्टी से काम करेंगे सेफ्टी नेट बना के रखना है जबरदस्ती एंट्री मत पालो आएगा ऊपर मोमेंटम आएगा लेवल लेवल ब्रेक करेगा तो फिर तो हम है ही ना बैठे हैं फिर तो हम ये देखो बढ़िया आ रहा है ऊपर आने दो इसको क्लोज एटलीस्ट लेवल के ऊपर होना चाहिए चलिए बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया जा रहे हो ऊपर से सेलिंग क्यों आ रही है इस सेलिंग का बंद कराओ ये सेलिंग बंद कराओ ऊपर की पुट को इज्जत मत दो पुट को नीचे रखो यहाँ पे कम स्पेस देंगे पुट को कॉल ही अब सही जा रहा है इस पे ही ऑपरेशन चल रहा है लेट्स सी लेवल ब्रेक करता है क्या लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए क्लोजिंग नहीं कर रहा है विक सिर्फ खाली डंडा दिखा रहा है क्लोजिंग नहीं दे रहा है ये देखो ये डंडा फिर दिखा दिया क्लोजिंग नहीं दे रहा है लक्षण ठीक नहीं लग रहे लड़के के कुर्सी कहां लगेगी कुर्सी की बात अभी करो मत अभी तो मोमेंटम का रूल क्लियर होना चाहिए एसवीएस सीएस रूल क्लियर होना चाहिए अरे भाई साहब ये देखो फसा दिया इसने ये देखो फसाने का काम हो रहा है साहब चीटिंग चल रही है यहां पे निफ्टी मंडे में ट्रेडर्स के साथ मजाक करने के मूड में लग रहा है ये देखो यहां पे लोगों को फसाया गिरा दिया यहां पे लोगों को फसाया ये बुरी हालत कर दी है ये देखिए हाई ब्रेक नहीं कर रहा है ये हमारे शीट में बोल दिया था मार्केट न्यूट्रल है तो हम तभी समझ गए

ओ भाई साहब मोए मोए हुआ है यहाँ पे सब लोग सेफ हैं कि नहीं दोस्त भाई हमारा सेटअप जो है ये नहीं बोलता कि हम लोग सही ट्रेड ले रहे हैं हमारा सेटअप बोल रहा है कि गलत ट्रेड से कैसे बचना है यहां पे काफी लोग फंसे होंगे मेरे दोस्त कितने लोग यहाँ पे फंस चुके हैं ये बताओ मुझे जिसने बात नहीं मानी और यहाँ पे फंसने का काम किया बताओ कौन कौन फंसा है एस बी एस सी एस रूल ट्रिगर ही नहीं हुआ है अभी मोय मोह हो गया है बिल्कुल हो गया है कौन फंसा है निखिल फंसे हो मार्ग सेल्फ एस सेफ वाह सेफ सब लोग सेफ ताली बजाए और यहां पे जो है अपना फंसने वाले बताओ भाई फंसने वाले बताओ आज उनके लिए स्पेशल व्यवस्था है मैगी पानी नहीं मिलेगा आज कुछ स्पेशल मिलेगा सीख रहा हूँ भाई फिलहाल ठीक है हंड्रेड लॉस ठीक है वन पॉइंट लॉस ठीक है चलो दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश नई उम्मीद के साथ नई शुरुआत चलिए अरे वाह क्या बात है जबरदस्त बाइंग दिखा दिए साहब क्लोजिंग होना चाहिए मुझे इससे मतलब नहीं इतनी बड़ी बॉडी से मतलब नहीं है मुझे मुझे चाहिए क्लोजिंग क्लोजिंग दे दे भाई हाई की इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे फिर हम डेफिनेटली यहां पे हाई पकड़ेंगे ये दे भी देगा मेरे को लग रहा है इतनी अच्छी बाइंग आई है इसमें ये क्लोजिंग दे भी देगा लेट्स सी वेट करते हैं लेवल ड्रॉ कर दिया मैंने हाई कर... यहाँ पे लगभग क्लोजिंग हो गई है लगभग क्लोजिंग हो गई है और चलिए ये लेवल बना दिया अपन ने है ना अब देखते हैं सब कुछ क्लियर है अभी ना ओके चलो एक तरीके से क्लोजिंग उतनी खास नहीं दी है ऊपर से विक है बट अभी है तो रिस्क थोड़ा ट्रेड अच्छे से क्लोजिंग देता अगर यहां पे तो फिर बात अलग होती क्योंकि फिर अगली कैंडल यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करती है लेट्स सी चलो आगे और वेट कर देंगे थोड़ा और वेट करते हैं निफ्टी तो देखो भाई निफ्टी यहां से ऊपर निकल गया है गगन चुम्बी इमारतें बना रहा है और ये भाई अपना निकलने को तैयार नहीं है भाई इस तरह में फंसा कि तुरंत इकतीस सौ का लॉस हो गया क्या बात कर रहे हो पंकज भाई इसलिए भाई अभी बचपन में मतलब दावा लगाओ आराम से इसको बड़ा हो जाने दो तो थोड़ा है ना मंडे इज अ ट्रैप डे मंडे में ट्रैपिंग चल रही है जबरदस्त तरीके से ठीक है जितने भी लोग अभी तक सेफ हैं प्लीज हिट द लाइक बटन सभी लोग एक बार यूट्यूब को हिलाने की कोशिश करो बाकी लोगों को पता चले कि भाई अभी बचने का काम है ट्रैप से बचो ठीक है लाइक बटन यूट्यूब को, like को हिलाना है यूट्यूब को लगे यूट्यूब के ऑफिस में पता चले कि भाई ये क्या हो गया पे, ये क्या फट गया ग्लेच कर दो सभी लोग लाइक बटन पर क्लिक कर दो फटाफट चलिए भाई क्लोजिंग हो गई है लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो गई है और निकाल भी दिया है लेवल निकाल भी दिया है क्लोजिंग के बाद तुरंत हाई के ऊपर निकाल दिया है लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं इसके बट ठीक है निकाल दिया है हाई के पास यहाँ पे देखिए एक सौ से 110 चल रहा है ध्यान रखना प्लीज इसको वॉच करना ये इसने 109 का लो लगा लिया है डबल टॉप ध्यान रखेंगे 109 सौ नौ यहाँ पे ये निकलने का काम हो सकता है यहाँ पे का काम कर रहा है दोस्त ये बहुत ही अः मतलब दिक्कत वाला काम है है ना जितना पॉइंट मिल रहा है उतने में लेके भाग जाना है ना जितने पॉइंट मिले हैं तीन चार पांच शुरुआत कर लो प्रॉफिट में क्लोज कर दो ट्रेड को आगे अपन और पकड़ेंगे इसको ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है अगर ये पलटा तो लॉस नहीं करना पहला ट्रेड लॉस नहीं करना प्रॉफिट है तो बुक करके निकल जाओ ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जितना मिल रहा है तीन चार पांच जितने पॉइंट मिल रहे हैं लेके निकल जाओ अभी है ना फिलहाल के लिए <clears throat> <clears throat> ओके चलिए चलिए साहब नहीं लेना अभी ठीक है मतलब बट ले लिया जिसने फाइव के डन ठीक है मैं ऊपर देखू ठीक है टेन पॉइंट्स ठीक है टू पॉइंट कोई बात नहीं एस वी एस सी एस रूल यहां पे क्लियर हुआ हमारा यहां पे क्लोजिंग दिया इसने ये हाई था इसके ऊपर हम एक ऐसा ऑर्डर लगा के रख सकते थे और ये देखिए टारगेट के पास लगभग आ चुका है यहाँ पे भी निकल जाते अगर हमारा एंट्री परफेक्ट एंट्री होती है हमारी एक सौ सात पचपन पे एक सौ सात पचपन से ये एक सौ दस तक तो गया है तो लगभग एक सौ दस पचास पे तो लगभग तीन पॉइंट तो आराम, तो आराम से मिल करते चलिए अभी क्या करें मार्केट ऐसा है तो इसमें सिंगल डबल ही लेना पड़ेगा जब ट्रेंड करेगा तो ट्रेंडिंग मार्केट में भी पकड़ेंगे स्टॉक्स को है ना आगे देखते हैं कोई बात नहीं आगे देखेंगे ठीक है ट्रेंड एक बार क्लियर हो गया है अरे ये यहां पे लगा दिया जाए इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला ठीक है, है ये प्रॉब्लम कर सकता है अभी स्पेस तो है ठीक ठाक स्पेस नहीं बोल सकते हैं बट थोड़ा बहुत स्पेस है एक आध पांच छह पॉइंट का ट्रेड और मिल सकता है लेट्स सी एक छोटा सा ट्रेड और मिल सकता है यहाँ पे पे हाई के पास पेशेंटली काम करना भाई जितने मिल रहा है उतने में खुश रहना ना अभी मार्केट थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह है ओके okay. चलिए हाई ब्रेक कर दिया इसने ऊपर जाके थोड़ा रेजिस्टेंस फेस आ रहा है लेट्स सी यहां पे हाई ब्रेक नहीं किया यहां पे हाई ब्रेक कर दिया है Let's see, क्या होता है 114 टच किया है 114.1 115 ओके यस 116.5, वेरी गुड निकाल दो चलिए प्रॉफिट देख लिया तो दोस्त लॉस में क्लोज कोई नहीं करेगा ठीक है प्रॉफिट एक बार दिख गया यहां पे लॉस में कोई क्लोज नहीं करना ये बेहतरीन 113 से लेके यहाँ पे 117 का ही लगाया 115 चल रहा है 116 चल रहा है 17 ठीक है प्रॉफिट देख लिया है लॉस में कोई क्लोज नहीं करेगा कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज करना है चाहे कुछ हो जाए लॉस में नहीं करना है ठीक है चलिए बढ़िया है अगर किसी को है निकलना है चार पांच पॉइंट मिल गए निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं बट इतना ही था इसमें क्योंकि निफ्टी पे भी नजर रखना है ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है ये दिक्कत कर सकता है इसीलिए ज्यादा लंबा ट्रेड नहीं मिलेगा यहाँ पे इतना ही बहुत है चलिए नो लॉस टू पॉइंट बुक वेरी गुड आज सिंगल डबल से ही काम करना पड़ेगा दोस्तों है ना ये देखो थोड़ा यहां पे दिक्कत आ रही है एक सौ तेरह पॉइंट फाइव सिक्स पंद्रह ठीक है यहां पे जो है ना ऊपर एक रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस जो है ये ऑल टाइम हाई के आसपास का है ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो ये भी एक बार क्लियर हो जाए तो फिर आगे ऊपर फिर खुला आसमान पीछे देख लें जरा इतिहास इसका आर्ली चार्ट पे यहां पे फिर ऊपर कोई नहीं है फिर कोई नहीं है टक्कर में बड़े बड़ों के चक्कर में चलिए ये हाई पे जस्ट टच कर दिया इसने और ये भी अपना रेजिस्टेंस टच कर दिया है लेट्स सी चलो हाई ब्रेक कर दिया है बहुत ही बढ़िया निफ्टी एट ऑल टाइम हाई बहुत ही बढ़िया निफ्टी एट ऑल टाइम हाई फर्स्ट रेट एक एन वेरी गुड वेरी गुड चलिए निफ्टी एट ऑल टाइम हाई और यहाँ पे ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी के क्या हाल है बैंक निफ्टी जो है यह बैंक निफ्टी उल्टी दिशा में जा रहा था अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव आना स्टार्ट हुआ है और निफ्टी हमारा भाई जो है एक सौ बीस एक सौ ठीक है सिंगल डबल बढ़िया अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहना है ठीक है इसको थोड़ा ऊपर सेटल होने देते हैं ना इसको अभी थोड़ा सेटल होने देते हैं हो सकता है यहां पे थोड़ी देर साइडवेज रहे है ना हाई ब्रेक करेगा तो दोबारा से रीएंट्री मार लेंगे ये हाई ब्रेक करेगा तो सिक्स फिफ्टी सेवन बुक ओके जर्नी बड़ी ही टफ है इतने आसान तरीके से ऊपर नहीं जा रहा है बहुत ही ज्यादा रुक रुक के अल्टीमेटली गया ऊपर बट इस तरीके से गया है कि ये ट्रेड खराब करने वाली बात है अगर अभी भी सिंगल डबल लेके बचे हुए हैं ना हम तो ऊपर अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं है ना बने रहेंगे चलिए एट पॉइंट वेरी गुड हिमांशु जी फाइव के तुषार वेरी गुड टोटल फाइव पॉइंट राम बुटाड़ा बढ़िया बढ़िया निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच करके वहां पे थोड़ा बना हुआ है लेट्स सी देखते हैं क्या होता है ट्वेल्व पॉइंट्स बुक्ड जगन्नाथ जी वेरी गुड फाइव पॉइंट्स ओके पॉइंट्स बहुत समझने का काम है भाई आज बहुत ही संभल के खेलने का काम है आज चौके छक्के लगाने का दिन नहीं है मॉर्निंग में जो कॉल ने एक तरीके से इनिशिएटिव लिया था कॉल ऑप्शन ने जो इनिशिएटिव लिया था गैप अप करने का इसने हमको बचाया यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री करने से और पुट ऑप्शन पूरी तरह से नीचे हमने फोकस शिफ्ट कर दिया कॉल में कब जब ये मूवमेंट बन गया यहाँ पे जब ये मोमेंटम बना तब हम लोग कॉल में शिफ्ट हो गए बट हम लोग वेट कर रहे थे हाई के ब्रेक होने का हाई ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं हाई ब्रेक नहीं हो रहा था यहीं पे लक्षण क्लियर हो गए थे कि आज थोड़ा दिक्कत आने वाली है यहाँ पे थोड़ा क्लियर हुआ यहाँ पे जाके जब क्लोजिंग हुई तो अगला जो हाई था ये इस पे हमारी पहली एंट्री पहली एंट्री यहां बट यहां पे रेजिस्टेंस था यहां पे एग्जिट करनी पड़ी तीन चार पॉइंट जितना ही मिला फिर अगला लेवल यहां पे आपको देखने को मिला ये यहां से ये फिर अगला लेवल यहां से ये तो छोटे छोटे ट्रेड मिल रहे हैं बड़े ट्रेड नहीं मिल पा रहे और ये देखिए यहां से फिसलता हुआ ऑल टाइम हाई से फिसलिंग निफ्टी इज फिसलिंग चलो बढ़िया टेस्ट मैच ही खेलना है दोस्त। आज आज बिल्कुल टेस्ट मैच है भाई देखो अपने हाथ में नहीं है पॉइंट निकालना आप हम थोड़ी ना बोल सकते हैं मार्केट अरे बीस पॉइंट क्यों नहीं घूम रहा है तू बीस पॉइंट ब्रेकआउट करके हमारे हाथ में क्या है एंट्री लेना रूल के हिसाब से रूल के हिसाब से एंट्री ले रहे हैं अब नहीं जा रहा है बीस पॉइंट ऊपर तो फिर क्या करें बैठे रहेंगे क्या लॉस थोड़ी ना लेंगे तो बुक तो करने पड़ेंगे पॉइंट प्रॉफिट में तो निकलना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली जो, जो है, तो है? है उसमें लॉस होने वाला है बैठे रहते तो अभी लॉस होता तो अगर हम निकल गए तो कोई बुराई की क्या है ना तो इसीलिए दोस्त ये जो तीन चार पॉइंट का जो खेल है ना ये हमेशा हमारे ट्रेड आपने देखो पुराने लाइफ स्ट्रीम में जो भी लोग बने हुए हैं उन लोगों को क्लियरली पता है ये हमारा ट्रेड तीन चार पॉइंट में हमारा कुछ भी नहीं होता है, ये ये है एग्जिट करनी पड़ती है क्यों क्योंकि वो ट्रेड भाई गलत था उस ट्रेड में फंस जाते अगर बैठे रहते तो होल्ड करने का काम नहीं था अच्छा हुआ निकल गए तीन चार पॉइंट में नहीं तो आपको हो सकता दस पंद्रह पॉइंट का लॉस होता ठीक है तो इसलिए बोलता हूं सिंगल डबल लेके अभी भाग जाओ क्यों क्योंकि आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी लक्षण अभी ठीक नहीं लग रहे हैं इसीलिए बाकी जब लक्षण ठीक रहेंगे तो फिर डेफिनेटली हम लोग बड़े भी बुक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो तो मार्केट ही देगा ना हमारे हाथ में क्या है सेटअप पे राइट एंट्री लेना अब वो कुछ चीजें सही नहीं लग रही हैं ऊपर स्पेस नहीं है तो फिर तो निकलना पड़ेगा ना यार लाला बनना है लाला नहीं बनोगे प्रॉब्लम आ जाएगी oh. ऊपर ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ अब लगता है हस्तर आ गया है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी देर तक शीप मार्केट में जाएगा मार्केट यहां पे एक तरीके से हस्तर भाई आ चुके हैं तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट हो सकता है साइडवेज जोन रहे तो हाई पे हमारी अभी लेवल इसको डिलीट किया जाए और ये जो हाई है इसको हम नया हाई समझिए ठीक है ठेला लाल नहीं होना चाहिए बिल्कुल ये देखिए बुरी तरह से फंस गए नहीं निकलते भाई अगर 20-25 पॉइंट के लालच में बैठे रहते तो फिर ये हाल नहीं होता क्या आपका इसीलिए मतलब एक चीज अगर बोला है तो उसके पीछे कुछ रीजनिंग रहती है क्योंकि देखो भाई मार्केट ऐसा है कि अभी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं डेस्पिरेशन मार्केट में चार्ट पे आपको नहीं दिख रही कि आज मार्केट बिल्कुल फोड़ने वाला है वैसा अभी तक तो चार्ट पे दिखा नहीं आपको तो फिर काहे के लिए इतना वेट करना और ये दुख झेलना ये दुख बड़ा ही बेकार दुख है अच्छे खासे प्रॉफिट में इतने बड़े लॉस देखना कंजर्वेटिव तरीके से काम करेंगे तो थोड़ा लंबा टिक पाएंगे भाई नहीं तो फिर तो चलिए साहब बाकी अभी लोग कितने लोग ग्रीन में हैं बता दो मुझे सेटअप के हिसाब से जिस जिसने एंट्री ली है अल्टीमेटली अभी ग्रीन में बैठे हुए हैं ट्रेड लेने के बाद भी ग्रीन में है अगर तो बताइए कौन कौन है वो ऐसे ग्रीन नितिन रोहिल्ला ग्रीन ओके अंकित श्रीवास्तव ग्रीन हैरी ग्रीन फोर्टीन पॉइंट बुक आकाश ग्रीन ओके सुमित ग्रीन नंदिता ओके ग्रीन कॉस्ट टू कॉस्ट ठीक है जोयल ग्रीन रामू ग्रीन ओके लॉस दीपक जी कोई बात नहीं छोटा लॉस है कोई दिक्कत नहीं राहुल ग्रीन ओके okay. विकास ग्रीन अरबाज ग्रीन चलिए बढ़िया जिस जिस लोगों ने ग्रीन बुक किया है वेरी वेरी गुड यू आर डूइंग वेल बिकॉज आपके अंदर वो लालच नहीं आया है ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट लेने का आप रियलिस्टिक तरीके से मार्केट को भी देख रहे हो और अल्टीमेटली ग्रीन है क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेड है बहुत डिफिकल्ट मार्केट है इसमें लॉस होना चप्पे चप्पे पे लॉस था पुट तो छोड़ दो पुट वालों से तो बात ही नहीं करना है आज पुट वाले जो भी हैं वो बताओ कि हो गया है। पुट वाले प्लीज मत बताओ इज वेरी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है कॉल में डेफिनेटली मोमेंटम बना एस सी रूल टिकर हुआ इन पॉइंट पे किसी ने एंट्री ली और देखो एंट्री लेने के बाद तुरंत प्राइस ऊपर तो गया है हर बार गया है ऊपर आप निकल गए तो ठीक है नहीं निकले हो बैठे हुए हो तो फिर यहां पे थोड़ा दिक्कत हो गया होगा है ना चलिए साहब आएगा मौका दोस्तों आएगा मौका भी आएगा शुरुआत लेकिन अच्छी हो गई है है ना मार्केट में मंडे को अल्टीमेटली छोटे छोटे ट्रेड भी दिए बट अगर सिंगल डबल में भी मार्केट थोड़ा ग्रीन रहा है तो डेट मीन कि आने वाला हफ्ता थोड़ा बढ़िया रहने वाला है बाकी लास्ट वीक या लास्ट लास्ट वीक हम देखें तो मंडे ट्यूसडे पहले दो सेशन में कुछ भी नहीं था एक दो तारीख पहली और दूसरी तारीख अगर हम देखें फर्स्ट अप्रैल सेकेंड अप्रैल बहुत ही ड्राई दिन भैया इतना ड्राई है कि दो अक्टूबर भी फेल इतना ड्राई ये देखो ये देखिए पहली तारीख और ये दूसरी तारीख बहुत ही जबरदस्त मोनोटोनस डे तारीख में थोड़ा हमको यहाँ पे कॉल साइड में थोड़े ट्रेड मिले चार तारीख में सारा कुछ वसूल कर लिया पुट में जबरदस्त तरीके के ट्रेड तीन चार ट्रेड कॉल में जबरदस्त तरीके के ट्रेड दो ट्रेड आराम से तो ये चार तारीख बहुत ही बढ़िया रही और फिर फिफ्थ में हम लोगों ने फिफ्थ में किए थे क्या ट्रेड फ्राइडे को किया था ट्रेड मुझे ध्यान नहीं आ रहा है फ्राइडे में एक बार बताओ फ्राइडे में ट्रेड लिए थे क्या नहीं था शायद नो ट्रेड फ्राइडे में कोई ट्रेड नहीं था एंड देन फिर अभी आए लो? हम लोग अभी जस्ट हम लोग आए हुए हैं एंड लेट्स सी लिया था मैंने चलिए दो अक्टूबर ओह <laughs> फ्राइडे वर्स्ट बोरिंग डे हाँ याद आ गया आ, फ्राइडे में कोई ट्रेड नहीं था साहब बहुत ही बोरिंग डे था सिर्फ बातें ही हुई थी ट्रेड कुछ नहीं हुआ था यस यू आर राइट लेट्स लेट्स वेट फॉर द हाई

कि भाई कैसे भी करके okay. अच्छा मेरा कोई दोस्त ऐसा है क्या जिसने पुट में आज स्ट्रेट लिया है <laughs> <laughs> पुट वाला बताओ पुट में कौन है आज यहां पे किसी ने एंट्री मारा है और अभी तक वेट कर रहा है यहां पे कोई है क्या बस वही बताना जिसने यहां पे एंट्री लिया है ये सर्कल में और यहां पे अभी बैठा हुआ है बताओ कौन है नो पुट, यस वेरी गुड गौरव जी ने लिया था ठीक है डी एक्स ने लिया है अक्षय जी है ओके नवाज खान है क्या बात कर रहे हो नहीं नहीं मेजोरिटी लोग तो नहीं पुट, लूट चलिए अच्छा हुआ कोई भी नहीं है कुछ लोग हैं उनके लिए प्लीज गुरप्रीत भाई कहा है गुरप्रीत भाई जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है आज मैगी पानी का प्लीज इनको प्रोवाइड किया जाए इनको राहत राशि प्रोवाइड की जाए ताकि ये थोड़ा इनको सहने में आसानी हो हाँ जी ठीक है गुडप्रीज भाई मैगी प्लस करेले का कर जूस पिला दीजिए कोई बात नहीं बाकी अभी क्या करें बड़ा सवाल कि अब क्या करना है निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास संघर्ष कर रहा है इस संघर्ष में आपको बिल्कुल भी निफ्टी का साथ नहीं देना है ठीक है हमें बनना है व्यापारी हम लोग ट्रेडर हैं ठीक है थीके? हवा के हिसाब से चलते हैं हम लोग कार्यकर्ता नहीं है ठीक है दो कैटेगरी होती है समाज में एक होते हैं कार्यकर्ता जो कि पार्टी को ऊपर ले जाते हैं और दूसरे होते हैं व्यापारी जो पार्टी का फायदा उठा के पैसा कमाते हैं हम लोगों को कार्यकर्ता नहीं बनना है ठीक है हम लोगों को बनना है ट्रेडर हवा को जज करना है तो पहले हवा बन जाने दो यहाँ पे जो संघर्ष वाले जो खिलाड़ी हैं उनको संघर्ष करने दो उनको यहाँ पे लॉस करने दो देखो बार बार यहाँ पे कितना ज्यादा तबाही है यहाँ पे

प्रूफ चाहिए कि एक आध कोई लेवल तो ब्रेक करो ये लेवल ब्रेक करो ठीक से क्लोजिंग ये लेवल ब्रेक करो अल्टीमेटली हमारा हाई है यहाँ के ऊपर हम एंट्री लेने का सोचेंगे ये ऊपर एक और रेजिस्टेंस है इसको क्लियर होने के बाद तो वो तो दूर की बात है पहले तो इसको यहाँ पे ऊपर आने भी देंगे है ना तो क्लियरली अभी जो है हम लोगों को हवा जज करनी है कि हो सकता है कि इसी बीच पुट में एक तरीके से बाइंग आना स्टार्ट हो जाए मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाए तो वो भी देखेंगे तो अभी हम बैक टू जीरो हो चुके हैं कुछ भी नहीं करना है दोनों ही चीज में अभी जज करना है कॉल में या पुट में जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड दिखेगा उस डायरेक्शन में जाएंगे क्लियर अभी कोई भी फैंटम नहीं बनेगा फैंटम फैंटमगिरी नहीं करेंगे कि भाई यहां पे माल बहुत गिर गया है अब बाय कर लो ऊपर जाएगा नहीं गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिफ्टी फिफ्टी ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग एट्टी नाइनटी परसेंट स्ट्राइक वाला काम कर रहे हैं एक्यूरेसी वाला प्रोबेबिलिटी वाला बाकी पचास पचास परसेंट वाला काम नहीं करना है ओके एसवीएससी एस रूल क्या है एस वी एस सी एस रूल का डिटेल्ड वीडियो है इंस्टामास्टर क्लास में आप देख सकते हैं फोमू का चक्कर रही भैया <laughs> नौके पे चौका मारो नहीं तो विकेट जाएगी बिल्कुल सही बात है हर बॉल पे बल्ला घुमाओगे तो फिर कैसे चलेगा साहब न्यूटन की चौथा लॉ न्यूटन का चौथा लॉ तीन लॉ तो बता गया था चौथा लॉ नहीं बता पाया था वो हम लोगों ने आज समझ लिया है ओ बी टू एम ओ बी इजकल टू एम का मतलब है ऑप्शन बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट में मोमेंटम देखेगा मोमेंटम के बिना ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी मत करना इस इक्वेशन को दीवार पे लिख लो कागज में चिपका दो ओबी इज टू एम ठीक है ओ भी मतलब ऑप्शन बाइंग इज इक्वल टू एम मतलब मोमेंटम मोमेंटम होगा तब ही बाय करना नहीं तो फिर थीटा आपको एक तरीके से कहीं का नहीं छोड़ेगा थीटा बहुत ही खतरनाक आइटम है ऑप्शन ग्रीक होता है टाइम डिके होता है मार्केट साइडवेज रहेगा ये प्रीमियम गिरता रहेगा आप होल्ड करके रहोगे मोमेंटम रहेगा थीटा बैक सीट पर बैठ जाएगा उसकी जगह आईवी ले लेगा उसकी जगह गामा ले लेगा ले 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 जो डेल्टा को बढ़ाएगा अल्टीमेटली ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा तो इन दोनों पे हमारा भरोसा है ठीटा पे भरोसा नहीं है उस इन दोनों का साथ ये दोनों कब ट्रेगर होंगे जब मार्केट में मोमेंटम आएगा और मोमेंटम पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया है बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनने लगें किसी भी साइड में वॉल्यूम लगे। वॉल्यूम बढ़ने अभी देखो दोनों ही तरफ ड्राई है है ना तो अभी कुछ भी करने का मतलब ही नहीं बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं ठीक है बट वॉल्यूम तो ड्राई है कुछ नहीं करना है लेवल ब्रेक होना तो दूर की बात है तो तीन कंडीशन जब मोमेंटम की ट्रिगर होगी तभी किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिलने की गुंजाइश होगी ठीक है नहीं तो उसके अलावा तो फिर ये, ये ऐसा गेम खेलना है तो फिर अलग ही बात है यहाँ पे देखो कई लोगों ने बलिदान दिया यहाँ पे यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल बनी थी कई लोग इस उम्मीद में होंगे कि अभी डबल टॉप बन गया डबल बॉटम बन गया कई लोगों को यहाँ पे डब्ल्यू दिखा हुआ और इस लॉजिक के साथ एंट्री लिए क्योंकि एंट्री लेने वाले को तो हर जगह लॉजिक मिलेगा ये देखो इतिहास गवाह है जबरदस्त तरीके से में देखो मोमेंटम आने की कोशिश हो रही है वीवेफ के ऊपर गया था हल्का सा बट क्लोजिंग नहीं दी लेट लेट है लेट्स सी लेट्स वेट चलिए साहब पोर्ट में मोमेंटम लाते हैं सभी लोग पुट में मोमेंटम लाएं उसके पहले एक बार चलो लाइक में मोमेंटम लाया जाए ना अगर लाइक करेंगे तो हो सकता है मार्केट भी आपको लाइक करे ठीक है तो एक बार स्ट्रीम को सभी लोग लाइक करो हिलाने का काम करेंगे यूट्यूब का एल्गोदम फट जाना चाहिए सभी लोग ऑन अकाउंट ऑफ थ्री लाइक बटन पे क्लिक करेंगे ग्लिच आ जाए यूट्यूब चैट आपको ग्लिच मारनी चाहिए चैट मैं बोल रहा हूं वन टू थ्री सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक करना जितने लोग बचे हुए हो एक्सपेरिमेंट करते हैं सभी लोग एक बार वन टू थ्री प्लीज इट द लाइक बटन सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक करो सभी को बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है ठीक है लकुलेटर हटा दे सभी लोग लाइक करें रहे बाईस लाइक देख रहे हैं मुझे अभी देखते हैं कितना बढ़ता है बहुत ही बढ़िया वापस लाइक मारेंगे सच में नहीं भाई वापस लाइक नहीं माना एक बार लाइक कर दिया तो दोबारा लाइक मत करना अनलाइक हो जाएगा दो बार हो गया पुट में देखिए अब बात करें मार्केट में पुट में मोमेंटअप बना था बिल्कुल बना था पुट में मोमेंटअप बनने की कोशिश हुई थी यहां पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी थी और ये वॉल्यूम भी एकदम से बढ़ गया था तो लेवल ब्रेक हुआ क्या

देखो भाई जल्दीबाजी अगर करोगे शुरुआती मोमेंटम कैच करने की कोशिश करोगे फोमो अगर आपके पास आएगा तो इस तरीके के हादसे हो हो जाएंगे आपके साथ ये जो हादसा हुआ है ये एक्चुअली पुट वालों को फंसाने आया था ये देखिए कर गया हमारे जो सेटअप है इसकी खूबसूरती ये थोड़ी ना है कि हम लोग सही ट्रेड लेते हैं ये तो मैं बिल्कुल बोलता ही नहीं हूं कि हम लोग बिल्कुल सही ट्रेड लेते हैं हमारे सेटअप की खूबसूरती ये है कि हम लोग जो गलत ट्रेड होता है ना उसको लेने से बचते हैं गलत ट्रेड में कब एंटर नहीं करना है ट्रेड में कब एंटर नहीं करना है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर मोमेंटम अगर रूल क्लियर हो गया है तो फिर तो सही ट्रेड तो निकल ही जाएगा कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिल ही जाएंगे बट अगर कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पे अगर वो रेड फ्लैग्स हैं तो डेफिनेटली एंट्री नहीं लेना है ठीक है अगर रेड फ्लैग नहीं है मोमेंटम बना हुआ है तो फिर तो सब चंगा सी है फिर तो आप ले सकते हो एग्जिट स्ट्रेटजी के साथ डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा बट अगर रेड फ्लैग है तो रेड फ्लैग होने के बाद अगर एंट्री ले रहे हो तो फिर तो दिक्कत वाला काम है ना और यहाँ पे सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या था यहाँ पे तो मोमेंटम ही क्लियर नहीं हुआ ना मोमेंटम का रूल क्लियर नहीं हुआ लेवल ही एक आध ब्रेक नहीं हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट है मोमेंटम का रूल क्लियर होना चाहिए उसके बाद मोमेंटम होने के बाद बाकी रेड फ्लैग जो है हमारे एस बी एस सी एस रूल हो गया या फिर हमारा रूल ऑफ डाइवर्जेंस हो गया रूल ऑफ स्पेस हो गया ये सारे रूल अगर ओके हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है फिर तो आप ट्रेड ले ही सकते हैं ओके okay. तो यहां पे बेसिकली जो भी बिगनर लोग हैं उनको मैं बता दूं यहां पे हम लोग कॉल और पुट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं ठीक है निफ्टी का चार्ट यहां पे लगा हुआ है निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है पांच मिनट टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी को वॉच कर रहे हैं निफ्टी आज नीचे से यहां पे डिप लगा के ऊपर आ रहा है और टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ये तो बात हो गई निफ्टी के चार्ट की अब निफ्टी यहां से ऊपर जाने वाला है या निफ्टी यहां से नीचे गिरने वाला है इसी बात पे हम लोग टिके हुए यही सब चल रहा है यहां पे तो निफ्टी ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे ऊपर की बाजी लगाएंगे निफ्टी गिरेगा तो क्या करेंगे नीचे की बाजी लगाएंगे कैसे लगाएंगे निफ्टी को बाय सेल नहीं कर सकते हो आप निफ्टी में बाइंग ट्रेडिंग करोगे बाय बटन में क्लिक करोगे निफ्टी बाय नहीं होगा इसको ट्रेड करने के लिए आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस क्या होते हैं एक होता है हमारा कॉल और एक होता है पुट ये दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं कॉल ऑप्शन तब लिया जाता है जब लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है पुट ऑप्शन तब लिया जाता है जब लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है क्यों ऐसा क्यों अगर मार्केट ऊपर जाता है ना तो कॉल ऑप्शन जो होते हैं इनके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं अगर मार्केट नीचे गिरता है तो पुट के प्राइस बढ़ने लगते हैं अब या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो या तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा या पुट का प्राइस बढ़ेगा तो जो भी होगा हमको तो किसी एक को बाय करना है तो यही सब है ऊपर जाएगा नीचे सब कुछ कहा जाएंगे सिंपल अगली शीट पे यहाँ पे हम लोगों ने देखिए कॉल ऑप्शन का चार्ट लगा लिया है अभी इतने सारे लेवल्स है इनसे कंफ्यूज मत हो ये कुछ भी नहीं है मैं धीरे धीरे सारे एक्सप्लेन आपको कर दूंगा ये कॉल ऑप्शन का चार्ट जिसका प्राइस अभी चल रहा है लगभग 112 सौ बारह ऑप्शन का चार्ट इसका प्राइस लगभग चल रहा है 73। अब या तो ये या तो ऊपर ऊपर जाएगा जाएगा. दोनों ही केस में हम लोगों को करना है और एक राइट right अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है तो राइट right अपॉर्चुनिटी एक एंट्री लेने का ट्राई करते हैं तो क्लियरली यहां पे देखिए कॉल ऑप्शन नीचे से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है ना लेट्स सी पे लेवल्स लेवल्स वगैरह वगैरह इन को क्लोज करें ये लेवल वगैरह क्लोज हो जाए एक बार देखते हैं किस तरीके से बढ़ता है ये वॉल्यूम तो थोड़ा ठीक ठाक आ गया है लेट्स सी देखते हैं जल्दीबाजी नहीं करेंगे बहुत ही आराम से पेशेंटली वॉच करेंगे ये लेवल के पास आने देंगे इनको कैंडलस्टिक कौन से चार्ट पे काम इंडेक्स में ऑप्शन में कैंडलिस्टिक दोनों देखनी है दोस्त हमको फाइव टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट देखना है और वन टाइम फ्रेम पे ऑप्शन का चार्ट देखना है डायवर्जन है हाँ बिल्कुल डायवर्जन है अभी देखते हैं एस बी एस सी एस फुट पर ही लगता है क्या नहीं दोस्त ये आपका कंफ्यूजन है जब भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है बुलिश और तो पुट में अगर ट्रेड मिल रहा है तो पुट में एस बी रूल लगाना है मार्केट में ट्रेंड चल रहा है बियरिश तो कॉल में एस बी रूल लगाना है है ना मार्केट में जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड मार्केट में ट्रेंड चल रहा है न्यूट्रल तो कॉल और पुट दोनों में एस बी रूल लगाना है ये बात क्लियर कर लो आप तो एस रूल तभी लगेगा जब आप मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो रूल ऑफ डाइवर्जन समझाओ बिल्कुल अभी देखते हैं उसकी सिचुएशन अराइज होने देते हैं डेफिनेटली रूल ऑफ डाइवर्जन आपको बताएंगे नब निफ्टी ऊपर जाएगी अब देखो अभी सब लोग बताएंगे सभी लोगों से बात करें एक बार बताइए दोस्त निफ्टी यहां से ऑल टाइम हाई पे क्या होने वाला है अभी चार्ट को देखते हुए आपको क्या लग रहा है निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा या यहां से फिसलेगा ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा या यहां से फिसलेगा बताइए साथ में अपना व्यू दे बाकी फिर हम लोग एनालिसिस करके व्यू तो निकालेंगे सही बट आप अपना अपना व्यू जरूर दें क्या लगता है सुशील जी बोल रहे हैं अब ब्रेक होगा धमाका होगा क्या बात है फटेगा नो गो डाउन साइडवेज, फॉल ब्रेक मोर अप मूव, ब्रेक होगा फिसलेगा फिसल जाएगा सभी लोगों का अलग अलग ओपिनियन आता बट ज्यादातर लोग मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है बोल रहे हैं कि ब्रेक होगा सिक्सटी परसेंट लोग ऐसा लग रहा है डाउन अप फिसलेगा विल गो अप। डिफिकल्ट टू टेल हम्म चलिए साहब सिर्फ सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये हाई ब्रेक होगा आज निफ्टी में या आज निफ्टी थोड़ा साइडवेज रहेगा फिर कल परसों देखा जाएगा इसमें सो लेट सी बाकी हमारे ऑप्शंस के चार्ट जो है ये सब बताएंगे है ना ऑप्शन का चार्ट दिखाएगा हमको सब चीजें ओके पोल ऑप्शन पोल ऑप्शन की डिमांड है बिल्कुल करते हैं पोल ऑप्शन के बारे में टेकिंग डिफिकल्ट इज टेकिंग डिसीजन इज वेरी डिफिकल्ट टुडे बिल्कुल ये बताना बड़ा ही मुश्किल है कि निफ्टी यहां से हाई ब्रेक करेगा नहीं करेगा कोई नहीं बोल सकता है है ना हमें अगली कैंडल का भरोसा नहीं है कि अगली कैंडल हरी बनेगी या लाल बनेगी है ना हमें हमें रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्त बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो प्रोडिक्शन बेस्ड ट्रेडिंग अगर करते हैं तो वो एक तरीके से रिवर्सल ट्रेडिंग में फॉलो होती है और रिवर्सल ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं जनरली है ना हमारा मेन अप्रोच है ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम फॉलो करने का काम है अगर ब्रेक करेगा डेफिनेटली ब्रेक करेगा बड़े प्लेयर्स एंट्री मारेंगे मोमेंटम बनेगा और हम उस मोमेंटम में थोड़ा ट्रेंड राइड करने की कोशिश करेंगे ना नहीं करेगा ब्रेक पलटेगा यहां पे तो एक ये लो ब्रेक करने के बाद एक सेलिंग प्रेशर आएगा सेलिंग प्रेशर आएगा तो पुट में मोमेंटम बनेगा पुट में मोमेंटम बनेगा हाई ब्रेक होंगे उसके बाद डेफिनेटली हम पुट ऑप्शन में ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे जो भी होगा हम रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे प्रोडक्शन नहीं करेंगे ठीक है बाकी जिस जिसने अपना ओपिनियन बनाया एक बार बना के रखो और देखो क्या हो रहा है मार्केट में समसो जी बोल रहे हैं आपके इंस्टा मास्टर क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला थैंक वेरी गुड समसो कीप लर्निंग सब डोनाल्ड भाई बोल रहे हैं कि लाइक बटन पर क्लिक करते हैं बोल रहे हैं आई एम श्योर बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा बैंक <laughs> निफ्टी तो देखो आरबीआई डिसीजन uh, के कारण बैंक निफ्टी ये देखो निफ्टी में थोड़ी तेजी आने की कोशिश हो रही है ओके okay, प्राइस भी ऊपर जा रहा है देखो भाई प्राइस भी ऊपर जाने की कोशिश हाई के जस्ट पास आ चुका है लेट्स सी इफ इट ब्रेक्स डायवर्जन तो है हाई के जस्ट पास आ गया यहाँ पे ये हाई से थोड़ा नीचे है डायवर्जन है थोड़ा केयरफुल रहना है रेड फ्लैग है ठीक है वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इट इज अ रेड फ्लैग डायवर्जन इज देयर ये हाई के नीचे है ठीक है और ये निफ्टी जो है हाई के बिल्कुल जस्ट पास आ गया है लगभग हाई पे आ चुका है तो इट इज अ डाइवर्जन ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है ये लेवल ब्रेक होने के बाद भी थोड़ा यहाँ पे संघर्ष हो सकता है इसलिए वी विल अवॉइड रेड फ्लैग है ठीक है हाई ब्रेक होने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस भी है और डायवर्जेंस भी है तो ये अपने आप में एक सबूत देता है डायवर्जेंस की मार्क डायवर्जेंस कैसे देखते हैं

ये तब बढ़ेगा जब मार्केट में कुछ ना कुछ एक बड़ा मोमेंटम रहेगा नहीं तो ठीटा उसको नीचे खींचेगा तो ठीटा इसको नीचे खींच रहा है हमको ये स्थिति नहीं चाहिए तो डायवर्जन क्लियर है कि ये निफ्टी ने हाई ब्रेक कर दिया है तो डेफिनेटली कॉल को भी हाई ब्रेक करना चाहिए था नहीं कर पा रहा है तो दैट मीनस की थोड़ा गड़बड़ है इसको पहले क्लोज होने देते हैं कृष्ण यादव हेलो चलिए हाई ब्रेक कर दिया है हाई ब्रेक कर दिया है और इसको क्लोजिंग का वेट करेंगे ये हाई ब्रेक कर दिया है लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग बहुत ही जबरदस्त चलिए क्लोजिंग दे दिया है, हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है और यहाँ पे अगला जो हाई है ये हमारा 126 का जो लेवल था इसके ऊपर जस्ट टच करके नीचे आया है तो जन इस लेवल का रिस्पेक्ट किया है इसने 127 का रिस्पेक्ट किया है और 127.128 ट्वेंटी का बेसिकली हाई लगाया है ठीक है इस लेवल के ऊपर हम लोग कुर्सी डाल के बैठ जाएंगे यहाँ पे बेसिकली कुर्सी डाल के बैठने का काम आ चुका है छतरी लगा के बैठ जाओ बाकी पुट में तो कुछ नहीं करना है पुट तो लेटा हुआ है अभी पुट में कुछ नहीं करेंगे Let's wait and watch. Let the level close. Let the level break. But is called from Leonardo da Vinci. क्या बात है क्यों भाई लेवल ब्रेक क्यों नहीं कर रहे हो कुछ पैसे ऐसे की बात है तो नहीं सेठ जी पैसे की कोई बात नहीं है मन उठ गया है <laughs> कृष्ण यादव जी ठीक है हेलो कृष्ण यादव जी ड्राइंग क्यों हटा दी साहब हाई ब्रेक नहीं हो रहा है बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं हाई ब्रेक करो लेट्स वेट वेट करेंगे हाई ब्रेक कर दिया है और यहां पे थोड़ा यहां पे, करने आया हुआ है लेट्स दोबारा से निकलेगा क्या बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है दोस्त बैंक निफ्टी भी निकलना चाहिए ना हाई ब्रेक करना चाहिए निफ्टी इतना एक्साइटमेंट दिखा रहा है बच गया लेते लेते तीन बंसल जी बच गए बढ़िया साहब सभी लोग अभी जो है आराम से बैठेंगे है ना भाई आज ट्रैपिंग का दिन लग रहा है मुझे तो आज फुल ऑन ट्रैपिंग चल रही है मार्केट में फुल ऑन ट्रैपिंग सेटअप इंटर स्टॉक्स में भी काम करता है बिल्कुल करता है ये देखो भाई डायवर्जन ने अपना बता दिया ना सही ये देखो यहाँ पे अगर 124 पे लेते हैं एंट्री एक पे नहीं निकलते तो ये हाल हो जाता डायवर्जन ने एक तरीके से आपको बता दिया था कि ये बड़ी कैंडल बनेगी बट उसके बाद भी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है और वही प्रॉब्लम यहाँ पे दिख गई आपको ये देखिए निफ्टी यहां से ऊपर निकल गया था ऑप्शन का प्राइस ऊपर नहीं निकल रहा था अल्टीमेटली निकला और निकलते ही गिर गया तो ऑप्शन का प्राइस ने बोल दिया था साफ कि भाई कुछ गड़बड़ है यहां पे है ना सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक करो दोस्तों है ना आज हर हाई पर एंट्री नहीं धोखा है जी बिल्कुल सर आपने फ्राइडे में सरप्राइज सरप्राइज बता दिया दोस्त पुट में बाय अभी कुछ पुट तो पुट की बात मत करो पुट को हमने बहुत बुरी तरह इग्नोर कर दिया है कितने लोग यहां पे सेफ है भाई ये जो अपमूव आया था यहां पे कितने लोग सेफ है या फसे हुए हैं वो ही बता दो जो फसा है लिख दे फसा हूं एफ एस फंसा हूं और जितने लोग सेफ हैं वो लिख दे सेफ सेफ है सेफ सेफ किरण जी फंस गए अंकन जी फंसे आज धोखा है फंसा हूं पवन कुमार जी फंस चुके हैं रुद्र जी फंसे हुए हैं फंसा हुआ हूं ठीक है बढ़िया बच गए आप बाकी दोस्तों देखा आपने लापरवाही का नतीजा आज पूरी तरह से आज जो है कॉल और पुट में फंसाने का, का काम चलता है अगर देखो इनसे ये कोई बड़ी बात नहीं है फसाने फस, मार्केट आपको फंसा रहा है दैट मीन कि मार्केट बुरा है ये कमजोर प्लेयर को निकालने का काम है अगर आपके पास रूल्स हैं आपके पास अगर रूल्स हैं आपके पास अगर पेशेंस है आप अगर चाह रहे हो कि मार्केट में बेसिकली सबसे पहले एक बार मोमेंटम क्लियर हो जाए लेवल्स वगैरह के ऊपर ब्रेकआउट ठीक से दे दे डायवर्जन वगैरह ना हो ये सब चीजें अगर ठीक ठाक तरीके से आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप नहीं फंसोगे भी लोग यहाँ पे नहीं फंसे हैं सेफ जितने लोग हैं ये सभी लोग समझ रहे हैं बात को कि भाई यहां पे मार्केट आज पूरी तरह से लाल एक तरीके से तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है मार्केट आज पूरी तरह से मार्केट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है आज मार्केट ग्रेश तरीके से काम कर रहा है तो डेफिनेटली आज आपको रूल्स लगाने हैं और बेसिकली सेफ रह के काम करना है फसा हूं ये देखो कह रहे हैं भाई आप ऑपरेटर हो क्या अरे नहीं साहब ऑपरेटर होता तो फिर मैं कॉल वालों बार बार आई एम सेफ बिल्कुल बाकी देखो आज धमाके नहीं हुए फटाके नहीं फूटे है ना तो इससे मत होइए आज थोड़ा डिफिकल्ट डे है मंडे डेफिनेटली डिफिकल्ट डे दे होता है जनरली देखा जाता है और आज शुरुआत से ही गोली फेंकना चालू कर दिया था आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जिम्बॉम्बे का जो मैच है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया है है ना ऐसी फील आ रही थी और हम जिम्बॉम्बे हैं बार बार ऐसी ऐसी बॉल शेन वॉन आ गया ब्रेटली आ गया मैक ग्राथ आ गया ऐसी ऐसी बॉलिंग करी है इन लोगों ने कि भाई जिमबॉम्बे की हालत खराब टटेंडा टाइपू आउट क्लीन बोल्ड तो क्लियरली भाई बुरी स्थिति थी तो अगर सेफ हो आज के दिन में क्योंकि देखो जिसने रूल से काम किया होगा वो सेफ रहा होगा के जाके किसी ने भी अगर तोड़ा सेटअप तो उसको आज दिक्कत है कह रहे हैं भाई आगे बताओ <laughs> कह रहे लॉस हो गया लॉस पे नमक मत छिड़को जख्म पे नमक मत छिड़को अब आगे का बताओ वैदिक जी सेफ है वेरी गुड सर रत्नागिरी से आम भेज दे अरे वाह क्या बात है दस अस्सी कराइए हाजी करा, हाँ करा देगा मुझे सीखना है बिल्कुल आईसीयू जी आप लोग बने रहे हो यहाँ पे एक दो दिन वॉच करोगे सेटअप समझ में आ जाएगा आपको सर माय फर्स्ट डे कुर्सी लगा के बैठने का मतलब कुर्सी लगा के बैठने का लॉजिक ये है साहब <laughs> इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी है साहब कुर्सी लगा के बैठ मैंने यहां पे क्या बोला ये लेवल पे कुर्सी लगा के बैठेंगे यहां पे ड्राइंग हटा दी गई बट यहाँ पे हम लोगों ने कुर्सी लगाई थी कह रहे हैं कुर्सी लगाने का मतलब क्या होता है कुर्सी लगाने का मतलब है ये सरदार है ठीक है ये इसका कि मतलब ये एक तरीके से मोमेंटम बन रहा है ठीक है मोमेंटम बन रहा है बट मोमेंटम बनेगा जब लेवल क्रॉस करेगा ना तब ही हम यहां पे एंट्री मारेंगे और एंट्री मार्केट वाले से नहीं होगी एंट्री होगी स्टॉप लॉस ऑर्डर से एस एल ऑर्डर से एंट्री करेंगे एस एल एल ऑर्डर से एंट्री करेंगे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहां पे पहले से ही रहेगा बाय का मार्केट वाले से कर सकते हो बट थोड़ा स्लिपेज देना पड़ेगा आपको बट एस एल ऑर्डर थोड़ा परफेक्ट रहता है ओके okay. यहां पे आज जिसने भी बोला था कि ब्रेक करेगा और जिसने भी बोला था ब्रेक नहीं करेगा फिसलेगा आज मार्केट ने बोला कि चलो तुम दोनों खुश हो जाओ <laughs> मार्केट ने आज दोनों को खुश कर दिया मार्केट ने हाई ब्रेक भी कर दिया और वहां से फिसला भी दिया दोनों ही भाइयों को खुश कर दिया और एक्चुअल में दोनों ही दुखी क्योंकि भाई ब्रेक हुआ तो ठीक से ब्रेक भी नहीं हुआ पैसा भी नहीं बना फंस गए उल्टा और फिसला तो फिसला भी ऐसा नहीं कि भाई कि कुछ डाउनफॉल पैनिक सेलिंग वगैरह कुछ आए पुट में तेजी आए पुट देख लो पुट तो वही के वही है अपना तो मार्केट आज सुन सबकी रहा है बट दे किसी को नहीं रहा है Let's see. फिर से दोबारा से नीचे आ चुका है मार्केट बाकी इकतीस सौ लाइक हो चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद लाइक से ही मोटिवेशन है दोस्तों आप लोग लाइक करते हो इससे मोटिवेशन आता है अभी जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं उसमें से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा हाँ जी दोनों ही खुश दोनों आज राजपाल यादव की जैसी हालत हो गई है चुप चुप राजपाल यादव था जब शीतल की एंट्री थी खुश भी हुआ कि अरे ब्रेक हो गया और फिर तुरंत दुखी भी कि भाई अरे कॉल तो ट्रैप कर रहा है और ये गिरा वो भी खुश हुए कि यार फिसल गया अब तो मजे ही मजे और यहां पे पुट ने बोला कि यार क्या है कुछ एंट्री नहीं है पुट ने कोई एंट्री नहीं दी स्टॉक इंट्राडे लाइव रखो ठीक है साहब फीडबैक टेकन लाइन जो ड्रॉ की है उसका मतलब बताइए लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है दैट इज अ रेजिस्टेंस वो लेवल क्रॉस होगा तो डेफिनेटली वहां से एक बाइंग प्रेशर इनिशिएट होगा ट्रैवलर भाई बोल रहा है दोबारा से मार्केट यहाँ से ऊपर आता हुआ लेट्स सी पुट वालों की हालत खराब पुट वाले सुमीर... देखो यहाँ पे ऐसे कई लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि अब तो यहाँ पे मार्केट गिरेगा पुट ऑप्शन बाय कर लो बहुत गिर चुका है वो गलती मत करना दोस्त मैं गलतियां बता रहा हूँ कि गलतियां कहा होती हैं ये बहुत बुरी तरह गिर चुका है पुट ये बुरी तरह से गिर चुका है अब यहाँ पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सस्ता हो गया है अरे भाई सस्ता नहीं हुआ ये जीरो तक जा सकता है ये कोई स्टॉक थोड़ी ना जो सस्ता हो गया वैल्यू है इसमें वैल्यू नहीं रहती इसमें ये ओटीएम ऑप्शन है तो ये अगर गिर गया है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसको बाय कर लेंगे हम इसको बाय तभी करेंगे जब इसमें मोमेंटम दिखेगा कि भाई इसमें लगेगा कि हाँ कोई वॉल्यूम आ रहा है बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी है लेवल का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा लेवल ब्रेक कर रहा है तो समझ जाओ कि इसको अब उठाने का काम हो रहा है तो कोई भी ऐसी गलती मत कर कोई है क्या मेरा भाई जो ऐसा सोच रहा है कि यहाँ पे पुट गिर गया है बहुत बुरी तरह इसको बाय कर लिया जाए ऐसा कोई है क्या या जिसने कर लिया है यहां पे किसी ने बाय करके रखा हुआ है यहां कहीं किसी ने एंट्री मारी है सोच के साथ कि अभी ऊपर जाएगा रोविन चाहर जी थे ऐसे फंसे हुए हैं रोविन जी ऐसे सोच रहे अच्छा है मतलब अभी एंट्री मार के मत करना दोस्ती ये फॉलिंग नाइफ को पकड़ोगे गिरते हुए चाकू को अगर पकड़ोगे तो अल्टीमेटली आपका हाथ ही कटेगा ये फॉलिंग नाइफ है इसमें आपका हाथ अगर लाओगे तो ये कट जाएगा और खून बह जाएगा इसीलिए हमेशा मोमेंटम वाली चीज को पकड़ना है और उसको एक तरीके से राइड करना है दैट इतना ही करना है और जब तक मोमेंटम नहीं बन रहा है इसको छोड़ देना है है ना थोड़ा छोड़ना भी पड़ेगा ना यार आप सोचो कि यहाँ बाय करेंगे यहाँ ऊपर तक आएगा ये पूरा खा जाऊंगा मैं ऐसा नहीं होता इसको छोड़ना पड़ेगा ताकि ऊपर का आप कुछ पकड़ पाओ 222 पे कॉल होल्ड किया हूँ 222 पे कॉल होल्ड किया हूं कहा सॉरी 122 देखो यहाँ पे एंट्री मारे लोगों ने ये यह यहाँ पे एंट्री मारी 122 पे और एग्जिट नहीं किया प्रॉफिट में थे तब भी एग्जिट नहीं किया और अभी यहां पे बैठे हुए हैं अब इनसे क्या ही बोले हम एक तो सबसे पहले बोल दिया मैंने कि डाइवर्जन है मत मानना एंट्री डायवर्जन का मतलब निफ्टी ऊपर निकल रहा है ये ऊपर नहीं जा रहा था तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला था वो देख लिया दाल कितनी लाल थी काली नहीं दाल लाल थी और तब भी रेड फ्लैग होने के बाद भी एंट्री ले ली उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है सुन रहे हैं कि भाई रेड फ्लैग है तब भी ऐसा नहीं कि भाई प्रॉफिट हो गया पांच छह पॉइंट का तो बुक कर ले बोनस मिल गया आपको अच्छा आराम आराम से रेड फ्लैग में इमीडिएट एग्जिट करनी पड़ती है आ रहा हूं सभी दोस्तों प्लीज हट द लाइक बटन सब लोग लाइक बटन पर क्लिक करो आज का लाइक का टारगेट कम से कम चार हजार लाइक का रखेंगे सात सौ लाइक और मारो चार हजार लाइक का टारगेट करते हैं आज ज्यादा हो जाए तो फिर मजे ही मजे पैंतालीस सौ पांच हजार हो गए तो तो फिर तो बात ही अलग है बट टारगेट चार हजार लाइक करते हैं ठीक है प्राइज एक्शन क्या होता है प्राइज एक्शन मतलब होता है कि प्राइस को रीड करते हुए मार्केट के सेंटीमेंट समझना उससे इंफॉर्मेशन लेना और उससे ट्रेडिंग डिसीजन बनाना प्राइस को रीड करते हुए और एक होता है इंडिकेटर बेस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर की मदद से प्राइस ट्रेडिंग डिसीजन लेना उसको बोलते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग और प्राइस को रीड करके प्राइस रीडिंग में क्या-क्या आता है कैंडल समझना ट्रेंड एनालिसिस करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन रीडिंग तो प्राइस एक्शन रीड करते हुए ट्रेडिंग डिसीजन लेना बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग डेली सेशन होता है दोस्त डेली लाइव सेशन होता है नौ बजे से ग्यारह बजे तक हम लोग डेली आते हैं यहां पे कुर्सी कब फटेगी ऑप्शन राइटिंग क्या होता है ऑप्शन राइटिंग का मतलब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ऑप्शन सेलिंग को ऑप्शन राइटिंग बोलते हैं आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो यहां तो तो है ऑप्शन सेलिंग चलो मार्केट में फिर से मूवमेंट रहा है कॉल ऑप्शन दोबारा से तेजी दिखा रहा है सारी चीजें वॉच करेंगे ठीक है स्पेस सबसे पहले स्पेस देख लिया जाए हाँ ये लेवल ब्रेक होता है तो स्पेस तो है ठीक ठाक स्पेस है बढ़िया है कैंडल आ रही है वॉल्यूम का देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है वॉल्यूम अभी तो थोड़ा ड्राई है ठीक है देखते हैं बढ़ता है तो है ना नजर रखेंगे वॉल्यूम पे बाकी लेवल ब्रेक हो रहा है देखा जाए निफ्टी हाई के पास आ चुका है ठीक है निफ्टी हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है अच्छा बात है ये निफ्टी ने हाई लगभग टच कर दिया है ये हाई टच नहीं कर रहा है क्या बात है आज ये डायवर्जन क्यों पीछे पड़ा हुआ है यार आज डायवर्जन पीछे पड़ा हुआ है दोस्त मिलेगा ट्रेड मिलेगा जहां पे एंट्री मिलेगी कुर्सी डाली हुई है मिलेगी लेकिन फिर पलट जाएगा इस तरीके का खेल फिर से हो जाएगा ये ऑप्शन का चार्ट बहुत स्मार्ट है ऑप्शन का चार्ट हमको सब बता देता है कि ये सब निफ्टी जो है बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है भाई ये कुछ हाई हाई ब्रेक नहीं करने वाला है झूठ बोल रहा है अरे भाई निफ्टी अगर तुम ऑल हाँ टाइम हाई के आसपास जा रहे हो तो ऑप्शन का प्राइस क्यों एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा है ऑप्शन का चार्ट ठीठा का शिकार क्यों हो रहा है थीटा का शिकार नहीं होना चाहिए ना फिर ऑप्शन के चार्ट को सेम इन बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी भी बात हो रही है कर, तरीके से ये, देखो, ये कर रहा है. आज बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है यार, नहीं तो आज अगर हो जाता, जिस तरीके से फ्राइडे में रहा है nifty, आज अगर रहा तो निफ्टी तो आज फाड़ देता सच बाकी सारे इंडेक्स आज निफ्टी को ऊपर ले जा रहे हैं बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है एक्सपायरी टेंथ को है बिल्कुल एक्सपायरी टेंथ में है ग्यारह तारीख में छुट्टी है मार्केट बंद रहेगा ग्यारह को कुर्सी हटाने में ही भलाई है भाई नेताजी पे भरोसा नहीं हो रहा नेताजी चुनाव नहीं जीत रहे हैं चुनाव जीत रहे हैं तो पैसा नहीं खा रहे हैं कार्यकर्ताओं का कोई भलाई नहीं हो रही है यहां पे जीते थे यहां पे जीते थे बट फिर कार्यकर्ताओं को पूछा तक नहीं और इसके लक्षण हमको दिख गए थे यहीं पे कि ये भाई नेताजी के भाव थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं डायवर्जन दिख रहा था हमको लक्षण अब यहाँ पे भी हमको देखो नेताजी चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं शुरुआत में इनके लक्षण लग गए हैं कि कार्यकर्ताओं का ये फायदा नहीं कराएंगे अगर ये ब्रेक कर भी देते हैं तो यहाँ से पलटी मार जाएंगे क्योंकि डायवर्जन है यहाँ पे है ना बाकी नेता तो वो होता है दिल खोल के चलता है कार्यकर्ताओं के साथ कि अरे बस जिताओ मुझे फिर तो मजे ही मजे कराऊंगा मैं तुमको रेत का ठेका दिलाऊंगा बस स्टैंड का ठेका दिलाऊंगा सब दिलाऊंगा वैसा नेता चाहिए अपने को बिल्कुल दिल खोल ऐसे नेता जो है ना इनके लक्षण शुरू में दिख जाते हैं ये डर डर के ऊपर बढ़ते हैं ना ये नहीं चाहिए हमको चुनाव जीती हम मेहनत करेंगे आप चुनाव जीती है, हम यहाँ पे कुर्सी डाल के बैठे हैं कार्यालय के बिल्कुल सामने कि जैसे ही आप जीतेंगे हम माला पहनाएंगे आपको बट आप जिस तरीके से जीत रहे हो ना लक्षण हमको शुरू में दिख जाएंगे तो हम फटाक से कुर्सी उठा के उल्टा पैर भाग जाएंगे अगर डायवर्जन वगैरह दिखा तो बाकी डायवर्जन नहीं है सब कुछ चंगा सी है तो यहाँ पे माल्यार्पण करा जाएगा आपको और यहां से फिर एक आध कुछ छोटा मोटा साइकिल स्टैंड का ठेका मिल जाए तो बढ़िया है बाकी यहां पे ऑल टाइम हाई पे संघर्ष चल रहा है है ना लेट्स सी एस वी एस सी एस पे एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है एंजल वन टाइप करो यूट्यूब पर टाइप करना इसके सेशन के बाद एंजल वन एस वी एस सी एस रूल एस वी एस सी एस रूल एंजल वन टाइप करना वहां पे आपको मिल जाएगा ये रूल ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें बताया है कि ये रूल कब लगाना होता है कैसे लगाना होता है सब चीजें बताई है उसमें ना एक बार देख लेना डिटेल में बारह तेरह मिनट का वीडियो है आराम से शांति से देखना कह <laughs> <laughs> रहे हैं लेवल सबके निकलेंगे मीमर है मीमर वॉल्यूम इज वेरी ड्राई यस वॉल्यूम इज वेरी ड्राई वॉल्यूम अपने आप में ही एक चीज बता रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है बाकी आज मार्केट को देख के क्या लग रहा है एक आध कोई मूवी का प्लॉट याद दिलाओ कि मार्केट कैसा था आज क्या स्टोरी थी मार्केट की आज सोचता हूं मैं भी सोचता हूं किस मूवी से आज मार्केट मैच कर रहा है मर्डर टू सो शैतान कभी खुशी कभी गम धड़कन अरे यार धड़कन इतना पॉपुलर मूवी दिल जले नहीं स्टोरी आ... समझ में नहीं आ रहा है मार्केट का आज स्टोरी ऐसी है कि धोखा नर्वस है मार्केट एक तो ऐसा है कि हीरो अपना नर्वस है निफ्टी नर्वस है आज और जा रहा है ऊपर बट फायदा नहीं दे रहा है मतलब एक ऐसे नेता की नेता की कहानी जो कि बुरी तरह से फेल होने वाला है जीरो ओ माय गॉड अंदाज अपना अपना बेजिनी बॉडी गार्ड नायक <laughs> 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 डर भगवान <laughs> 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 CID. कुछ तो गड़बड़ दया ये तो हुआ है आज चलो ठीक 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 आज लगता है कि पूरी मूवी बॉलीवुड की सारी मूवी लग दिए जाएंगी बिच्छू बॉबी दिल वाली अच्छा चलिए साहब फिर फेरी का प्लॉट लग रहा है <laughs> हाथ आया मुंह को न लगा ऐसा कुछ सिचुएशन है चलिए साहब मार्केट पे फोकस करते हैं दोबारा से मार्केट यहाँ पे साइडवेज है हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है हमारा कॉल ऑप्शन का चार्ट लगा हुआ है हाई के पास आने दो इसको पुट ऑप्शन को देखना भी नहीं है इसको छुपा दिया जाए इसको छुपा दो कुछ नहीं करना पुट ऑप्शन में ठीक है आएगा मोमेंटम तो देखेंगे बाकी कॉल जिंदाबाद कॉल बढ़िया चल रहा है और कॉल में भी फंसाने का काम हो रहा है बट हम लोग अभी बचे हुए हैं ठीक है क्यों बचे हुए हैं क्योंकि हमारे पास रूल्स हैं नियम नियम कानून से काम चल रहा है तो बचे हुए हैं बाकी अपना जो है निफ्टी यहां पे फंसा हुआ है एक काम करते हैं ओआई देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देख लिया जाए निफ्टी का ओआई देख लिया जाए बाईस हजार छह सौ पे चल रहा है निफ्टी बाईस ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी टू सिक्स हंड्रेड पे निफ्टी चल रहा है इसका जो है ओआई 22600 ट्वेंटी टू सिक्स हंड्रेड का जो ओ है 66000 दिख रहा है मुझे कॉल साइड में पुट साइड में कितना है 75000 फाइव थाउजेंड है ठीक है नेक्स्ट पाँच सौ पे है नाइन्टी सेवन यहाँ पे सिक्स हंड्रेड से सात सौ पे है मतलब मेरे को पुट पुट साइड साइड में में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ज्यादा है ओआई होने का मतलब है सपोर्ट लेवल ज्यादा है तो मार्केट थोड़ा बुलिश लग रहा है मार्केट इज लुकिंग बुलिश छह सौ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है इक्कीस हजार पांच सौ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है ऊपर जो है इक्कीस हजार छह सौ पे ओपन इंटरेस्ट कम है और सात सौ पे ओपन इंटरेस्ट कम है तो मार्केट में थोड़ा सिनेरियो बुलिश साइड में है बट फिलहाल में अभी यहाँ पे अटक रहा है इसलिए हम पुट को भी जैसा मार्केट में ओआई दिख रहा है उसी तरह से हमारा भी थॉट प्रोसेस वैसे ही चल रहा है हम लोग पुट को इज्जत नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से ओआई में पुट को इज्जत नहीं दी जा रही ऑप्शन चेन में वैसे ही हम यहाँ पे पुट को इज्जत नहीं दे रहे हैं और कॉल पे हमारा इंटरेस्ट है कि भाई अभी बोले मार्केट बट चल नहीं रहा है तो कभी चलेगा तो फिर हमको फायदा मिलेगा उस टाइप का माइंड अभी हमको रखना है ठीक है हाथ में आया मुना लगा तो लेट्स वेट मार्केट को ब्रेक होने का वेट करेंगे कॉल भी लाइक अब भी ठीक दो हूँ ये भाई साहब ये जॉनी लीवर है खट्टा मीठा मूवी का जॉनी लीवर है बोला अब भी ठीक कर देता अब भी ठीक कर देता हूं और ठीक नहीं कर रहा है मामला बिगाड़ रहा है बिल्कुल सही बात कौन है भाई वो जीनियस ये सही पकड़ा है भाई इसने ये भाई साहब ये सही है अरे यार। ये बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं और यहां पे बेसिकली क्या है बोल रहा है अब भी ठीक करके देता हूं ठीक करता है और ये बिगाड़ देता है मामला अब भी ठीक करता हूँ हूं ठीक करता है मामला बिगाड़ देता है लेट्स वेट वेट करेंगे सी मार्केट में कॉल में किस तरीके से मोमेंटम आएगा अभी वन मिनट फास्ट नहीं हम तो मिनट में ही देखते हैं क्योंकि ऑप्शन स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मिनिमम टाइम फ्रेम जो रहेगा उस पर देखने का मतलब है बाकी लाइक का कैस्टर छत्तीसो लाइक जबरदस्त थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लाइक के साथ अभी हम लोग यहाँ पे बने हुए हैं चार सौ लाइक और मार दीजिए फटाफट सभी लोग लाइक बटन पे क्लिक कर दो चार सौ लाइक क्यों छुपे बैठे हो भाई चार सौ लोग ऐसे चार सौ लोग कहा है जो लाइक नहीं कर रहे हो है ना प्लीज द लाइक बटन सभी लोग लाइक बटन पर क्लिक करो देखो मार्केट में मूवमेंटम नहीं आया तो हमको डिमोटिवेट नहीं होना है ठीक है हम क्यों डिमोटिवेट हो भाई मार्केट में मूवमेंटम आएगा तो हम पकड़ेंगे बाकी मार्केट को अपने हिसाब से काम करने दो यार उसको क्या है थोड़े लोगों को हटाना है यहाँ पे जो लॉस लोगों को तो नए फ्रेश लोग आएंगे बड़े-बड़े आएंगे छोटे-बड़े लोगों हम लोग, तो तो कर कर लोग बैठे हुए सभी लोग एक बार लाइक बटन पे क्लिक करो डिमोटिवेट हो मार्केट से हमारी स्ट्रीम पे कोई भी लिनर वो नहीं होना चाहिए ठीक है सभी लोग लाइक कर दो चार लाइक पूरा करो मोमेंटम आएगा तब भी हम मार्केट में ऐसे ही तो काम करेंगे मोमेंटम नहीं आएगा तब भी ऐसे ही काम करेंगे जो जो होगा उस स्थिति में काम करना पड़ेगा क्योंकि जबरदस्ती एंट्री लेने का मतलब क्या है ठीक है जबरदस्ती एंट्री नहीं लेना है ऑलरेडी लाइक like कर दिया थैंक यू गुड सेशन थैंक यून चिनप्पा जी लाइक like डन अफार्गो से जब जब लाइक करोगे देखो तब तक कॉल में मोमेंटम आएगा नहीं तो गोली खत्म हो गई है गैंग्स ऑफ विल भाई साहब आपने गोली चलाई क्यों आज गोली चलाने का काम ही नहीं था या या, या। स्ट्रीम पर लॉस नहीं होता क्या बात है बस इतना ही तो चाहिए साहब लॉस होना खत्म हो जाए आप लोगों का तो फिर बात ही खत्म है प्रॉफिट तो मार्केट देगा सेटअप सबसे सब तो मार्केट प्रॉफिट देगा लॉस नहीं होना चाहिए है ना एफर्ट्स यही है कि गलत ट्रेड में नहीं फंसना है फिर सही ट्रेड में एंट्री लोगे तो स्ट्राइक अपने आप सही होगा मार्केट स्विंग्स सेफ नो ट्रेड ये देखो धोखेबाज मार्केट अब ये मूव देख के ना हम लोगों का एकदम से वो नहीं होता एल्ड्रिन रश नहीं होता है ये मूव देख के हम लोग इतने अभी ठंडे हो चुके हैं हमको ये मूव देख के मोटिवेशन ही नहीं मिलता है क्या है ऊपर जाएगा तो लेवल के पास आप यहाँ पे फिर वेव को बनाएगा अगर हम लोग ये रूल्स फॉलो नहीं करते मोमेंटम का रूल अगर आप स्ट्रीम में नहीं होते तो हो सकता था मे भी कई लोग यहाँ पे बढ़िया ट्रेडर हो बट हो सकता था कि इसको देख के ना कई लोगों का एक बार आता है कि यार अब, अब अब जाएगा अब जाएगा एंट्री मार लेते हैं और फिर फंस जाते हैं है ना तो हम लोग इस तरीके से अब मार्केट को समझ लिया है आज इसकी इतनी चाल समझ गए हैं तो ये जो मूव्स है ना ये हमको मोटिवेट कर ही नहीं पा रहे ये हमको सीधा कर ही नहीं पा रहे हम अभी भी लेटे हुए बैठे हुए हैं क्योंकि मार्केट जब तक ये हाई के पास नहीं आ रहा है तब तक कुछ नहीं करना है दोस्त क्योंकि सब छलावा है दो पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा अरे बहुत आसान दो पॉइंट बना लिए ग्रीन में हो तो क्या ही चाहिए आज के मार्केट में बाकी लोगों से पूछिए जो लोग आज जबरदस्ती पुट में घुसे हुए हैं या कॉल के हाई में फसे हुए उन लोगों से बात करके देखो एक बार दो पॉइंट मिल गए हैं बहुत है अल्टीमेटली ग्रीन में हो बाकी मौका देगा मार्केट कोई दिक्कत थोड़ी ना रोज थो ही तो थोड़ी ना अपने को छक्के छक्के मारने हैं कल तरीके से फिर इसी प्रोसेस से कल फिर एंट्री निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है बाकी सेकंड हाफ में अगर मूवमेंट आता है तो आप लोगों के साथ लेवल्स तो रहेंगे लेवल आप देख सकते हो ये आज हस्तर दफ्तर में बैठा आज हस्तर जो है दफ्तर में बैठा हुआ है चलिए देखो ये फसाने का काम कर रहा है ये यहाँ पे कई लोग मोटिवेट हुए होंगे इस पॉइंट पे कई लोग मोटिवेट हुए होंगे बोला होगा कि यार ये डबल बॉटम बन गया है या यहाँ पे ये हैमर कैंडल बन गई है वी वेब का सपोर्ट ले लिया है ये सब बातें आएंगी दिमाग में और मार्केट में यहां पे एंट्री मारेगा और ये बुरा हाल होगा देख देख गाइस पे एंट्री ले लेते हैं हाई ब्रेक करेगा <laughs> देख देख एंट्री मारेगा बिना मोमेंटम के एंट्री मारेगा एंट्री नहीं माना बिना मोमेंटम के एंट्री नहीं मानने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट क्या बात है चलो बच गए <laughs> गुद्दी लाल कर <करूं। laughs> अरविंद <अर्वें> मेरा भाई <laughs> चलिए सर आपकी स्ट्रीम के बाद दूसरों की स्ट्रीम देखता हूं कि वो लोग कैसे लॉस कराते हैं <laughs> मोदी जी नए मोदी जी आए यहां पे कह रहे भाइयों बहनों टेस्ट मतलब ओके चलिए साहब लाइक बटन पे क्लिक करो सभी लोग सौ लाइक और चाहिए चार हजार लाइक का टारगेट पूरा करते हैं आज फटाफट निफ्टी कैसा है तू लाइव स्ट्रीम का टाइम बढ़ा दीजिए ओके साहब फीडबैक टेकन तीन तीस तक चालू करो ओके बाज नहीं आ रहा है मार्केट बाज नहीं आ रहा है चलो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है बट फिर भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है चलो क्या बात है अरे वाह वाह वा, क्या डाइवर्जनों का डाइवर्जनों का सरदार आ गया भाई डाइवर्जनों का सरदार यहाँ पे देखो ये हाई ब्रेक कर दिया है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया और ये देखो ये क्या है भाई निफ्टी तुमको शर्म नहीं आ रही है, है? ये डायवर्जन इस तरीके से बना रहे हैं ऑप्शन का चार्ट और तुम भाई यहाँ पे हाई ब्रेक कर रहे हो क्या ही कर रहे हो ये ये डाइवर्जन का सरदार आ गया है चलो वॉल्यूम बना दिया बहुत ही बढ़िया 11 ग्यारह से तीन क्या काम करते हो वही करता हूं सर जो यहां कर रहा हूं ट्रेड ढूंढता हूं निफ्टी फाड़ के हाई निकाल दिया है ऑप्शन का चार्ट बोल रहा है बेफकू बनाएगा गया निफ्टी मेरा ये देखो भाई क्या देखो बिल्कुल ऐसा खड़ा है अमरीशपुरी ये देखो बिल्कुल सफारी सूट पहन के पीछे से हम पलेश रावल बोल रहा है क्या है कुछ नहीं है धोखा है भाई धोखा है ये देखो देख देख एंट्री मारेगा बिना मोमेंटम के एंट्री मारेगा <laughs> निफ्टी ने इस कैंडल ने कितने लोगों को एक तरीके से झूठी आशा दी होगी कि अब तो यहां से मार्केट फटने वाला है और ये देखिए आप ये देखिए यहां जहां का यथावत आप उड़े थे पैराशूट फट गया फिर वहीं के वहीं नीचे बैठ गए आइए आइए आपके चरण कहाँ है अरे आप तोल्टे आ रहे हैं यहाँ पे आपका सिर नीचे है पैर ऊपर है क्या बात है आइए 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 साहब <laughs> आज का तो पैसा बचाओ अभियान चल रहा है आज आज तो भैया पैसे बचाने का काम है चलिए साहब इसी जिद्दोजहद के साथ आज सेशन एंड करने का समय आ चुका है आई होप आज पैसा बच गया होगा आपका और जिस जिसने भाई गलत एंट्री ले ली है प्लीज एक बार नोट कर लेना आज क्या गलती करी है है ना आज बहुत ही रूल के हिसाब से चले होंगे तो आज बिल्कुल डेफिनेटली मार्केट आपको आज सही लगा होगा और मतलब एक तरीके से आप बचे हुए रहोगे बट अगर आपने रूल तोड़े होंगे किसी भी पॉइंट पे तो डेफिनेटली आपके साथ ठेला लाल होगा हंड्रेड परसेंट तो चलिए इसी के साथ सेशन एंड करते हैं दोस्तों बहुत ही मजा आया आज के सेशन में आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो और मिलते हैं कल के सेशन में ठीक है कल ज्वाइन करना नौ बजे कल एक नए मार्केट में नया एंट्री निकालेंगे कल डेफिनेटली हो सकता है कि मार्केट ये चालें बंद करना बंद करे कुछ भी क्लैरिटी तो मिले है ना एटलीस्ट चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मेरा नाम सी रजित राजौरिया ओके बाय बाय टेक केयर Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.